ओके, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। आवाज़, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? प्लीज़ मुझे एक बार कंफर्म कीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज़ एक बार कंफर्म कीजिए गाइस। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। सो स्टार्ट करते हैं सेशन। ऑलरेडी 50 लोग सेशन के ऊपर है, ठीक है। सो इट्स टाइम कि आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर, अरे मैंने लेक्चर का नाम क्या रखा, आई हैव टू आई गेस एडिट इट, जस्ट मुझे एक मिनट देना। पार्ट 9 है आज का। चलो बहुत बढ़िया। सो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉस के साथ में। कल हमने जो देखा था उसको पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो रेडी एवरीबॉडी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग शिवम, प्रद्युम्न, ईशा, शुभम, राहुल, मुक्ता, क्षितिज, हर्षिता, देवेश, हर्षा, शिवम, नितिन, युक्ता, जैस्मिन, वर्षा, अनिका, देवेश, हर्षित, सेजल, सिया, ठीक है। गुड मॉर्निंग, ठीक है, लेट्स गो। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। कल हमने शुरू किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में, और मैंने कल आपको 2-3 खास चीजें बताई थी जो हमको फॉलो करनी है, ठीक है। एक बार मुझे एक बार बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का सेक्शन नंबर कौन सा है? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का सेक्शन नंबर आप मुझे बताइए फटाफट, तो उसको मैं समझ लू। सेक्शन नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी का 2 मिनट के अंदर मेरे को चाहिए, मेरे आंखों के सामने मरने के तुरंत से भी पहले लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्शन। हुई, चलो बहुत बढ़िया, सब लोग लिख रहे हैं सेक्शन नंबर 9, दैट्स वेरी गुड। और कैरेक्टर्स भी कितने हैं बोले एक बार दोस्तों? 9। एक बार सभी कैरेक्टर्स के लिए मुझे एक्शन करके दिखाइए सब जन। रेडी? सबसे पहला क्या है? इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। कुछ याद आया सबको? हाँ ना, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी वाले सभी के सभी सेक्शंस। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये चीज आपको बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, क्लियर है? थैंक यू सो मच सिया बेटा। ओके, ये चीज होने के बाद में हम बढ़ने वाले हैं आज आगे। हमने 3 कैरेक्टर्स कंप्लीट नहीं किए थे, हमारा तीसरा कैरेक्टर चल रहा था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में कल हमने एक केस लॉ देखा था, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी के अंदर, जिसको हमने हमारे टेबल के अंदर भी नोट करके रखा था। अगर आपको टेबल याद होगा तो टेबल के अंदर हमने सीरियल नंबर वाइज उसको नोट करके रखा था। एंड में मैंने कंसेप्ट बोला था, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट आपने देखना है। कंसेप्ट समझ में आया? एक बार हम चैप्टर्स का रिविजन ले लेंगे फटाफट, तो आपको चैप्टर्स भी याद रहने चाहिए। मैं एट रैंडम पूछूंगा, आपने मुझे एट रैंडम ही इसका जवाब देना है। रेडी एवरीबॉडी? आर यू रेडी? चलो बहुत बढ़िया, लेट्स गो। मुझे एक बात बताना, सेक्शन नंबर 128 से लेके सेक्शन नंबर 138 कौन सा चैप्टर है? मैं कुछ भी एट रैंडम पूछ रहा हूं, मुझे आंसर चाहिए। 128 से लेके 138 कौन सा चैप्टर है? फटाफट बताइए एवरीबॉडी, आंसर चाहिए मुझे, चाहिए मंजे, पाइजे मंजे, चाहिए। कोई आंसर ही नहीं दे रहा है जिंदगी के अंदर। ओके वेरी गुड, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, बहुत बढ़िया। डिपॉजिट कहां से आया बेटा जैस्मिन? ओके, डिपॉजिट नहीं है। डिपॉजिट का कौन सा सेक्शन है? 73 से लेके 76। फिर मुझे बताइए सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 22 कौन सा चैप्टर है? बहुत बढ़िया, जितने लोग अकाउंट्स जवाब दे रहे हैं बहुत ही जबरदस्त। 3 से लेकर 22 कौन सा चैप्टर है बच्चों? फटाफट बताइए। शानदार, स्ट्रीम में आ जाएगा। बहुत बड़ा लैग है, नियरली 15 सेकंड का लैग है। मैं जब पूछ रहा हूँ और आप जब जवाब दे रहे हो उसके अंदर 15-20 सेकंड का लैग है। कोई नहीं, 3 से 22 कौन सा है? फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। अपन थोड़ा 10-15 सेकंड एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर मुझे एक बहुत बढ़िया, फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन जो बोल रहे हैं, सेक्शन नंबर 77 से लेकर सेक्शन नंबर 87 कौन सा है? बताइए। 77 से लेकर 87, बहुत बढ़िया। फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन जितने भी लोगों ने आंसर दिया है इसके पहले के लिए बहुत थैंक यू सो मच। 77 से 87 नालायक लोगों, बताओ जल्दी फटाफट। चार्जेस ऑन असेट, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद में मुझे बताइए आप सेक्शन नंबर 88 से लेके 122 कौन सा है? तो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मैं ही फटाफट बोल दूं। फिर उसके बाद में अगला सेक्शन हम अगर जाए तो मुझे बता दो 23 से लेके 42 कौन सा है? 23 से 42 नॉर्मली लोग भूलते हैं, तो नॉर्मली ये सेक्शन आपने काफी अच्छे से याद रखना है। 23 से 42 इज अबाउट प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन हम देखें तो 73 से लेके 76 कौन सा है? एक बार उसे डिपॉजिट्स, क्लियर है। 73 से 76 डिपॉजिट, एंड सेक्शन नंबर 139 से लेके 148 दैट इज ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 1 से लेके 2 प्रिलिमिनरी, 123 से लेके 127 इज अ डिविडेंड, क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना। और बचा कौन सा चैप्टर? और मेंशन हो गया शेयर कैपिटल डिवेंचर 43 से लेके 72। ये टोटल 10 चैप्टर्स हमको याद रखने हैं कंपनी लॉ के लिए। अच्छा, इसके भी एडिशन में अभी हमने 2-3 सेक्शन तो भी कम से कम देखे हुए हैं, तो मुझे 2-3 सेक्शन अभी तक हमने कौन कौन से सेक्शन देखे इसका मुझे नाम चाहिए। कौन कौन से सेक्शन देखे? 2 ही सेक्शन देखे हार्डली हमने। दोनों सेक्शन के मुझे कमेंट्स के अंदर नाम बताइए बेटा, फटाफट फटाफट। दो तीन सेक्शन हमने इंडिविजुअली देखे हैं। एनीवन? हाँ, 2 सबसेक्शन नंबर 20 दैट इज डेफिनेशन ऑफ कंपनी, 2 सबसेक्शन 67 दैट इज एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। उसके बाद में सेक्शन नंबर 447 फॉर फ्रॉड, भूल गया क्या? 447 फॉर फ्रॉड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 447 फॉर फ्रॉड सब जन लिखेंगे, किसी ने नहीं लिखा, नालायक लोगों। उसके बाद में अगला जो हमको याद करना है दैट इज सेक्शन नंबर 9 दैट इज रिगार्डिंग क्या बोले एक बार से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में हमारे 3 कैरेक्टर हो चुके थे, थर्ड कैरेक्टर में हम थे दैट इज तीसरा कैरेक्टर हमारा कौन सा है? फटाफट बताइए थर्ड कैरेक्टर कौन सा है हमारा? थर्ड कैरेक्टर इज रिगार्डिंग कौन सा बोले एक बार जो से सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी में कल हमने केस देखा था सोलोमन वर्सेस सोलोमन। आज मैं सेपरेट लीगल एंटिटी के नेक्स्ट केस के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना डबल ट्रिपल। रेडी, लेट्स गो। मैं पीपीटी ओपन कर लू एक बार। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इधर चला गया, आज पीपीटी भी नहीं मिल रहा। आज थोड़े से एनर्जी लेवल्स इधर उधर है। रीजन ये है कि आज है एकादशी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने लोगों को नहीं पता एकादशी क्या होता है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बोल दूं, ये आपकी लाइफ में भी काफी हेल्प कर सकता है, इसलिए बोल दूं जब तक हमारा पीपीटी खोलता है। एकादशी ये आपको शायद पता होगा, मून साइकिल जो होती है, मून साइकिल का मतलब समझते हो आप, दैट इज पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा। ये नियरली जो मून साइकिल होती है 48 डेज की नियरली मून साइकिल जो कंसीडर की जाती है, 21 डेज 24 डेज 24 डेज। तो ऐसा एक पीरियड होता है पूरे मून साइकिल में, कुछ 2 या 3 दिन होता है जिस वक्त बॉडी को खाने की जरूरत नहीं होती है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि ये 24 घंटा आपने बॉडी को खाना नहीं देना चाहिए, आपका हीलिंग, आपका इम्यूनिटी और आपका शारीरिक और मानसिक कैपेबिलिटी ये काफी लिप्स एंड बाउंस में बढ़ता है अगर आप एकादशी को खाना ना खाओ तो, ठीक है। एकादशी मीन्स यू शुड लिव ऑन ओनली 1 लंच और डिनर विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो आप भी इसको फॉलो करके लिखिए, वैसे जबरदस्ती नहीं है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि दिन भर भूखे रहे और शाम को तो मुंह चक्कर आके गिर गए, ठीक है। तो आज थोड़ा एकादशी है तो मैं कुछ खा नहीं सकता, लास्ट नाइट डिनर किया था, अभी डायरेक्ट इस नाइट को ही डिनर करूंगा। बीच में 24 आवर्स का टोटल गैप होना चाहिए, ऐसा कहते हैं। दिस विल कीप योर हेल्थ, वेल्थ एंड वेलबींग फॉर लॉन्ग, ऐसा कहा जाता है। मतलब ऐसा पुराणों में लिखा है। 2 मिनट के लिए ज्ञान पेल दूं थोड़ा सा। आयुर्वेद में लिखा है या कहीं पे भी आप बोल सकते हो, लिखा है ये, मैं मराठी में बोल रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट करूंगा। ऐसा कहा जाता है, एकदा जेवतो तो योगी, दोनदा जेवतो तो रोगी, आणि दोनदा जेवतो तो भोगी आणि तीनदा जेवतो तो रोगी। मीन्स एक बार जो खाना खाता है वो योगी होता है। योगी मीन्स उसका हेल्थ वेल्थ मेंटल स्टेट उसके पूरे कंट्रोल में होता है। दो बार जो खाना खाता है वो भोगी होता है। भोगी मतलब वो पूरे लाइफ वगैरह को अच्छे से एंजॉय करना चाहता है, खाने पीने को एंजॉय करना चाहता है, लाइफ में अच्छे से रुचि लेना चाहता है। एंड तीनदा जेवतो तो रोगी मीन्स तीन बार जो दिन में खाना खाता है, 3-4 बार जो खाना खाता है उसको डिसीजेस जल्दी, मतलब उसकी इम्यूनिटी लेवल डाउन होती है, उसको जल्दी से जल्दी डिसीजेस हो सकते हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर के प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। आपको शायद नहीं पता कैंसर डेवलप होने के पीछे का मेन रीजन भी यही होता है। अगर आपका स्टमक 7 आवर्स तक के एम्प्टी नहीं रखते हो, मतलब एक खाना और दूसरे खाने के बीच में 7 घंटे का अगर एम्प्टीनेस नहीं है तो आपके बॉडी में कैंसर सेल्स का प्रपोर्शन बढ़ सकता है। ठीक है, हालांकि कैंसर सेल हर एक के बॉडी में होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ऐसा है कि जब वो सब एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो कैंसर करके डिसीज घोषित किया जाता है। बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग, बहुत बेसिक है। तो आपने अगर कैंसर के खिलाफ आपको लड़ना है, वैसे मैं तो 7 घंटे के, मतलब 7 घंटे के गैप से ही खाता हूँ, बीच में कुछ भी नहीं खाता। सवेरे खाना खा लिया, डायरेक्ट शाम को खाना खाता हूँ, दिन में 2 ही बार खाना खाना, बाकी बीच में कुछ भी नहीं खाना, ये रूल है मेरा। ठीक है, सो अगर आपने 7 घंटे से के गैप से खाना खाया तो आपके बॉडी में कैंसर सेल्स को नेसेसरी फीडिंग ही नहीं मिलता। मेनली कैंसर सेल फीड करते हैं शुगर्स पे। ठीक है, तो आपको नेसेसरी फीडिंग ही नहीं मिलेगा तो आपका इम्यूनिटी वैसे ही बढ़ा रहेगा। एंड एम्प्टी स्टमक इज ऑलवेज बेटर कंडीशन अगर आपके बॉडी की इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है या आपके बॉडी का हीलिंग करना है। तो ये कुछ चीजें आपने याद रखना। आई होप सो कि आपके काम में आएगी। 2 मिनट के अंदर मैंने बोल दिया। अभी हम अपने काम के ऊपर जाते हैं। नहीं तुम बोलोगे सर ये कहाँ से आप एकदम से आस्था चैनल और आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करने लग गए, ठीक है, एकदम ये कहाँ से आ गया। तो ये सिंपल है, बॉडी हीलिंग टेक्निक से सिंपल है दैट मैंने एक्सपीरियंस किया है इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ। ठीक है, कि ये ट्राई करके देखिए। दिन में सिर्फ 2 बार खाना, एकदम से नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे कम करना। दिन में सिर्फ 2 बार खाना, 7 घंटे के गैप से आपकी एनर्जी लेवल, आपका परफॉर्मेंस पूरा मेंटेन होगा और ना ही कभी आप एकदम मोटे होंगे और ना ही कभी आप एकदम पतले होंगे। आपका बॉडी एकदम मेंटेन रहेगा। और आपने ये भी देखा होगा तो जो बंदा दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाता है वो 70-80 साल तक जीता है। जो सिर्फ दिन में 1 बार खाना खाता है, ऐसे पुराने जमाने के लोग थे, दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाते थे, दोपहर को वो 100 वगैरह भी क्रॉस कर चुके होते हैं। क्लियर है कंसेप्ट? ये चीज को आपने याद रखना। आपकी दादी दादाजी नानी नाना जी अगर कोई है तो आप उनसे पूछोगे तो उनको इन चीजों के बारे में ज्यादा पता होगा। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। बीच में अगर आपको भूख लगे 7 घंटे के बीच में तो आप छाछ वगैरह जैसी कोई चीज ले सकते हो या कोई शरबत वगैरह टाइप्स चीज ले सकते हो। अवॉइड शुगर्स। ठीक है, लेट्स गो। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। अभी हम शुरू करने वाले हैं हमारे सेपरेट लीगल एंटिटी के सेकंड केस लॉ के साथ में। और सेकंड केस लॉ है सेपरेट लीगल एंटिटी का, ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। ठीक है, केस का नाम है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। ठीक है, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। अब जरा केस शुरू करते हैं कि ये केस हुआ क्या था। बड़े अच्छे से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना बच्चों, तभी जाके समझ में आएगा। ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग में एक बंदा था जिसका नाम था ली। किसने ली, किसकी ली नहीं, ली। ठीक है, जिसका नाम क्या था, बोले एक बार उसे ली। नालायक को अच्छा सोचो, कतई तुम कतई बेकार लोग हो। एक जिंदगी में, मतलब तुम जो सोचते हो ना इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ जाता है। टेलीपैथी, इतना खतरनाक टेलीपैथी है, याद रखना, ऐसी हरकतें मत करना। सो बंदे का नाम था ली और ये ली जो था ना ये पायलट था। जैसे आपको दिख रहा है प्लेन में बैठा है, ये पायलट है। ली इज अ पायलट। अब ली जो पायलट था इसने एक कंपनी फॉर्म की, ली एयर फार्मिंग करके, जिसके अंदर वो एरोप्लेन के मॉडल्स टेस्ट करता था, दूसरे कंपनी के एरोप्लेन के मॉडल, दूसरे कंपनी के एरोप्लेन के स्ट्रक्चर टेस्ट करता था, खुद के एरियल ड्रेसिंग्स टेस्ट करता था। अलग अलग चीजें जो उसको पायलट बनने में या एरोप्लेन चलाने में जरूरी होती थी उन सबको ली टेस्ट करता था। इसलिए उसने कंपनी बनाई थी और इसके खिलाफ वो दूसरे कंपनीज, दूसरे लोगों को कंसल्टेंसी देता था। तो इस कंपनी में ली खुद ही ओनर था, मतलब शेयर होल्डर था। इस कंपनी में ली खुद ही डायरेक्टर भी था, मतलब डिसीजन मेकर भी था। और इस कंपनी में ली खुद एम्प्लॉय, मतलब चीफ पायलट भी था। ली खुद ही ओनर था, खुद ही डायरेक्टर था और खुद ही चीफ पायलट था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। अब हमने ऑलरेडी देखा है सोलोमन वर्सेस सोलोमन में कि अगर आप शेयर होल्डर हो कंपनी के तो आप कंपनी में डायरेक्टर भी हो सकते हो, क्रिएटर भी हो सकते हो, मतलब 2-3 पोजीशन होल्ड कर सकते हो। वैसे ही ली ने 2-3 पोजीशन होल्ड की। जब ली इस कंपनी का एम्प्लॉय बना एरियल सूट्स टेस्ट करने के लिए, अब आप नए एरोप्लेन टेस्ट करोगे, नए एरियल सूट्स टेस्ट करोगे तो बच्चों रिस्क है। पता चला कभी प्लेन चला रहे हो, प्लेन चलते चलते सीधा नीचे परपेंडिकुलर आ गया, हाँ बूम फूट गया, जिंदगी में आग लग गई सब जगह पे। ठीक है, तुम्हारी तो वाट लग गई। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर ऐसा रिस्की बिजनेस कर रहे हो तो कई सारे रिस्की जॉब्स के अंदर एक कंपेंसेशन एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉय का कि भैया एरियल टॉप ड्रेसिंग्स को अगर टेस्ट करते करते अगर कभी ली का प्लेन भिड़ जाए किसी से या फूट जाए टूट जाए तो ली एयर फार्मिंग ली को कंपेंसेशन देगा। तो हमने एक मस्त एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लिया, नीला आसमां शहनाई दिल मेरा, ठीक है। तो ये छोड़ दो, अभी आ जाओ वापस, रोमांटिक नहीं होना है जिंदगी के अंदर। हम लेके आए ली को हवा में, मस्त एरोप्लेन वगैरह लेके ली घूम रहा है, ठीक है। ली जैसे चाहिए वैसे एरोप्लेन उड़ा रहा था टेस्ट करने के लिए, जैसे चाहिए वैसे, लग रहा है ना मस्त एनिमेशन, यू नो दिस इज हाउ यू शुड लर्न। तो कैसे केस आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ली जैसे चाहिए वैसे एरोप्लेन उड़ा रहा था, और ली जब एरोप्लेन उड़ा रहा था तो सामने से एक पंछी आया, पंछी, बर्ड वॉचिंग करते हो ना तुम जिंदगी में, बर्ड वॉचिंग, हाँ मेरे को मालूम है तुम बर्ड वॉचिंग करते हो, नालायक को ध्यान दो। एक पंछी आया, ली अपना एरोप्लेन चला रहा था, पंछी आया, ली की नजरें पंछी से मिली, पंछी की नजरें ली से मिली, दोनों में प्यार हो गया। आ और बूम बाम पाओ झैंग बैम पौ झैंग बैम पौ झैंग। बेसिकली इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया, प्यार व्यार नहीं हुआ, इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया। कभी कभार ऐसा होता है जिंदगी के अंदर कि इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया। जब इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट हो गया तो ली मर गया, और ली का तो कंपनी के साथ एग्रीमेंट था कंपेंसेशन का। तो ली की जो विंडो थी, विडो, ली की जो विडो थी, कोई विंडो नहीं बोलेगा, ली की जो विडो थी उसने ली एयर फार्मिंग कंपनी से कंपेंसेशन डिमांड किया। ली एयर फार्मिंग कंपनी से उसने कंपेंसेशन डिमांड किया। ली एयर फार्मिंग वाले बोले कंपेंसेशन डिमांड किया, तो ली एयर फार्मिंग और ली एयर फार्मिंग के क्रिएटर बोले कि भैया ली और ली का, ली एयर फार्मिंग कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ली एयर फार्मिंग का ही पार्ट है, तो ली एयर फार्मिंग ने ली के विंडो को कोई भी कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं है। ये उसके क्रिएटर, कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स बोले। हालांकि 99% शेयर होल्डर ली था, बाकी डिबेंचर होल्डर बाकी सब लोग ये बोलना शुरू कर दिए क्रिएटर्स कि लिखो कोई कंपेंसेशन मत दो, ठीक है, क्योंकि वही कंपनी का 99% शेयर होल्डर है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? ये कंटेंशन पुट किया गया। अब मेरा एक सवाल है, अगर ली कंपनी का एम्प्लॉय है, शेयर होल्डर है, और ली ने अगर कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है कंपेंसेशन का, तो मुझे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए, क्या ली को कंपेंसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? फटाफट बताइए, ली को कंपेंसेशन, कमेंट में बताइएगा मुझे, ली को कंपेंसेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? एवरीबडी, जिसने नहीं बोला उसका एक्स उसके वाई के साथ भाग जाएगा। 96 पीपल लाइव है, 96 के आंसर चाहिए। 96 में से एक भी कम निकला ना तो उसको उसका बाबू सोना पिकाचू मिलेगा ही नहीं जो उसके लिए पैदा हुआ है। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? तो जिन लोगों को लग रहा है यस आप सही हो, जिनको नहीं लग रहा है नो, अनुजा जैसे, याद रखना बच्चों, ली सेपरेट है, ली एम्प्लॉय है, कंपनी अलग है, तो ली का जो कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के साथ वो वैलिड है, और ली के विंडो को यहां पे कंपेंसेशन मिलेगा, मतलब मिलेगा, मतलब मिलेगा। ये काले पत्थर की लकीर है, ये विधि का विधान है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि यही कैरेक्टर है सेपरेट लीगल एंटिटी का। आप कंपनी के 99% शेयर होल्डर हो और आप एम्प्लॉय भी हो, तो एज ए एम्प्लॉय आपने जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी वैलिड है। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द ली ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कर, देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ मिसेस ली इज राइट। समझ में आ रहा है सबको? ये ली का जोश था, ये मेरा जोश नहीं था। ये ली ऐसा चिल्ला रहा था स्वर्ग में से, क्योंकि वो तो निपट गया ना, तो चाहता था कि उसके विंडो को कंपेंसेशन मिले, ठीक है। ये चीज को आपने अच्छे तरीके से याद रखना। यहां पे आपका केस खत्म होता है कौन सा, बोले एक बार जो से, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, क्लियर है? अब इसके अंदर आपके बुक में मैंने डिसीजन देके रखा है वैसे, पर मैं इसको लिखवाना चाहूंगा, तो आप एक बार सबसे पहले रजिस्टर के अंदर केस लॉ का नाम लिख लीजिए, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, और उसके नीचे छोटा सा डायग्राम बना लीजिए ली का, गो फॉर इट फास्ट, तो आपको याद रहेगा। केस समझ में आया क्या बताइए? एनिमेशन कैसा लगा वो भी बताइए मेरे को। हाँ, जिन्होंने हेडफोन लगा रखे हैं वॉल्यूम के लिए आई एम वेरी सॉरी। कैसे कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते मैं जोश में आ गया जाता हूँ, कभी जिंदगी के, कभी हो जाता है, मतलब कैसा ऐसा पढ़ाते पढ़ाते कभी ऐसा होता है ना, कोई चीज आप करते हो बहुत पैशनेटली तो एकदम ऐसे जोश में आ जाता है और चिल्लाना शुरू, तो कभी कभी होता है, ठीक है। मेरे अंदर एक मतलब वो राक्षस छुपा हुआ है, वो कभी कभी आ जाता है बाहर, याद रखना। नालायक नितिन, ऐसी कोई चीजें नहीं बोलता हूं मैं लेक्चर के अंदर जो बिना हेडफोन के आप सुन ना सको। आप ही सोचते रहते हो, मैं तो आपकी सबकी सोच बताता हूं, नालायक लोग। एनिमेशन कैसे बनाया, एनिमेशन का कोर्स किया बेटा मैंने अर्पित पढ़ाने के लिए। Done everybody? हो गया सबका? हो गया सबका? हाँ है ना, लिख लिया सबने। इसके नीचे डिसीजन लिखना, इसके नीचे डिसीजन लिखना। ली कैन बी ए एम्प्लॉय ओनर और डायरेक्टर, ली कैन बी एम्प्लॉय ओनर और डायरेक्टर in Lee Air Farming Limited, in Lee Air Farming Limited, full stop। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 लिखना। if Lee have compensation agreement with the company, if Lee have compensation agreement with the company as a as an employee for the amount of risk he bears, for the amount of risk he bears, for the amount of risk he bear, bear मतलब नालायक, bears मतलब सहन कर रहा है, ले रहा है, bear मतलब bear नहीं, for the amount of risk he bears, then he is eligible for such a compensation, then he is eligible for such a compensation, or it should be paid to his family, or it should be paid to his family। Full stop। Next point, here company is a separate person, here company is a separate person, so any member can contract with the company, so any member can contract with the company as an employee of the company also, as an employee of the company also, full stop। लीव लगा लिखना हो गया सबका? चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आपका ये लिखना हो चुका है तो मैं जाना चाहूंगा अगले कंटेंट के ऊपर। खास चीज मैं आज आपको बताना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहीं पे थोड़ा सा रोक रहे हैं, मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीज आज आपको बोलनी है वो बोलनी है, उसके बाद में हम कैरेक्टर्स में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज आप इन चीजों को कभी समझ ही नहीं पाओगे। क्लियर है कंसेप्ट? तो एक काम करते हैं, अभी में ना मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जरा क्वेश्चन लिख लीजिए। आपके रजिस्टर का एक मस्त नया पेज लीजिए जिसके ऊपर एक मैं प्रैक्टिकल केस स्टडी आपको दे रहा हूं। अभी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पढ़े उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल केस स्टडी दे रहा हूं, वो केस स्टडी लिखना, ठीक है? उसके बाद में बताऊंगा क्या करना है, तो लिखना केस स्टडी के अंदर फटाफट, ठीक है? एवरीबॉडी रेडी? केस सॉल्व कर पाओगे? जरा कमेंट्स में बताओ मुझे, केस सॉल्व कर पाओगे सब जन? लाइव चैट में बताइए। हाँ, केस लॉ टेबल में भी दिखे लिखेंगे दीपेश, फिलहाल 1 मिनट के लिए सिर्फ वेट कर लेना। केस लॉ सॉल्व कर पाओगे सब जन? जितने भी लोग लाइव है, क्या केस लॉ आप सॉल्व कर सकते हो? क्या आप में इतना दम है कि आप केस लॉ सॉल्व कर पाओगे? यस, सब जन यस बोल रहे हैं, तो चलो लो एक केस लिखते हैं अपन, ठीक है? लेट्स गो। लिखना, मिस्टर सल्लू, केस लिखना, केस लॉ केस स्टडी लिखना, इसको आंसर देना। मिस्टर सल्लू, मिस्टर सल्लू इज अ मेंबर, Mr. Sallu is a member of Ash Limited, Mr. Sallu is a member of Ash Limited, Ash Limited, he is only 99% shareholder, he is only 99% shareholder as well as employee of the company, he is also 99% shareholder as well as employee of the company, as well as employee of the company। full stop. He have a contract of compensation. He have a contract of compensation during his employment. Contract of compensation during his employment for any damage, for any damage with Ash Limited, with Ash Limited. With Ash Limited, full stop. He also have given a loan. He also have given a loan to his company Ash Limited. He also have given a loan to his company Ash Limited. Ash Limited amounting to 5 crore rupees. Amounting to 5 crore rupees. Full stop. The company also have two more creditors. The company also have two more creditors. Ash Limited also have two more creditors. Mr. Abhi and Mr. Vivek. Mr. Abhi and Mr. Vivek. amounting to 10 crores and 15 crores respectively. Amounting to 10 crores and 15 crores respectively. Full stop. Sallu met with an accident during employment. Sallu met with an accident during employment. नाला को हंसो मत लाइव चैट में. अभी एक एग्जाम्पल बना रहा हूं क्या करूं जिंदगी में. सल्लू मेट विथ एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एज ही इज अ कोर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. एंड एज ही इज अ कोर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. एज ही इज अ कोर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. The company went into winding up. The company went into winding up due to damage. Due to damage to Mr. Sallu. To Mr. Sallu. Full stop. For damage caused by Ash Limited to Sallu, for damage caused by Ash Limited to Sallu, he claimed a compensation. He claimed a compensation and as a creditor, and as a creditor he also claimed his debts. And as a creditor he also claimed his debts during winding up. Also claimed his debts during winding up. Full stop. Full stop. Mr. Abhi and Mr. Vivek. Mr. Abhi and Mr. Vivek. Mr. Abhi and Mr. Vivek strongly opposed the contention of Mr. Sallu. Strongly opposed the contention of Mr. Sallu. Strongly opposed the contention of Mr. Sallu. अभी हंसू नहीं तो क्या करूं, इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। स्ट्रांगली अपोज द कंटेंशन ऑफ मिस्टर सल्लू and claimed he shall not receive anything, he shall not receive anything as he is only 99% shareholder, as he is only 99% shareholder. He is only 99% shareholder, full stop. Full stop. मिस्टर अब तक बचपन मिस्टर अब तक बचपन is appointed as a consultant of company. Mr. Ab Tak Bachpan is appointed as a consultant of company, advise him what steps he shall take, advise him what steps he shall take. Full shut up. ऐसे मस्त के स्टडी आते हैं, मतलब इतने इंटरेस्टिंग नहीं आते हैं, ऐसे आते हैं, ठीक है, इतने इंटरेस्टिंग नहीं आएंगे, मतलब ऐसे एग्जांपल के साथ आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। अपन ने देखो एक सिंपल केस कितना इंटरेस्टिंग कर दिया, सल्लू, ऐश, अभी, विवेक, अब तक बचपन, ये सब लोगों को अपन ने इन्वॉल्व किया। इतने बड़े बड़े लोग आए हो तुमको सिखाने के लिए केस स्टडी कैसे लिखी जाती है। मैं आपसे अब कहना चाहूंगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा समय की बुहार है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समय दिखा दूं बोर्ड के ऊपर। देखिए ये हुआ है 10:41, ठीक है, चलो 42 मिनट ले लो, 10:42 हुए हैं। आपको मैं देता हूं 15 मिनट, 15 मिनट्स अभी देता हूं, आपने इस केस स्टडी का आंसर मुझे लिख के दिखाना है। लेट्स सी बाद में मैं आपका क्या हश्र करता हूं, ठीक है, फिलहाल लिख के दिखाना है। 10:42 से 15 मिनट्स आपके यहां से होंगे, 10:57 पे हम इसको लिखना स्टॉप करेंगे। मुझे आपका आंसर जानना है, आप क्या लिखते हो, अच्छा लिख रहे हो तो समझ में आएगा, गलती कर रहे हो तो भी समझ में आएगा। अभी तक तो सिर्फ पढ़ा है, अब लिख के देखो, फिर हम ट्राई करते हैं कि कैसे लिखा जाना चाहिए कैसे नहीं। गलती करोगे तो समझ में आएगा। और मैं बोलना चाहूंगा जितने भी लोग 85 लोग अभी लेक्चर देख रहे हैं और बाद में जितने भी लोग ये लेक्चर देखेंगे, अगर आप ये लिखोगे तो आपका फायदा है, ये चीज को याद रखना। अगर आपने 15 मिनट में आलसी पानी में नहीं लिखा, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल आफ्टरवर्ड्स। आपको पता है मेरी टेक्निक, इसके पहले मैंने चैप्टर याद करने के लिए क्या क्या करवाया था, उसी तरीके से ये चीज को भी सीरियसली लेना, ठीक है। अगर आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग विच हैपन्स आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। ये चीज को आपने अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा आपकी गलतियां कहां हो रही है। एंड एग्जाम इज नॉट अबाउट व्हाट यू डू राइट, एग्जाम इज अबाउट हाउ मेनी थिंग्स यू डू एज अ रॉन्ग और उसको कितना रिड्यूस किया जाता है। अगर आप आपकी गलतियां कम कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो 10:43 43 मिनट्स पे हम इसको शुरू कर रहे हैं, 58 पे खत्म करेंगे। गो फॉर इट, फास्ट लिखना शुरू कीजिए। विनायक स्पैम ना कीजिए, एक ही बार पूछा काफी है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, एमसीक्यू बुक अभी अगर इंस्टीट्यूट ने रिलीज की है तो मई 21 के लिए एप्लीकेबल होगी। फटाफट आंसर लिखने हैं बच्चों, फटाफट लिखिए, गो फॉर इट फास्ट। दीपेश बेटा ओरली आंसर यहाँ पे सबको पता है, मैं आपको ओरली आंसर बच्चों पूछ ही नहीं रहा हूँ, मेरे को मालूम है ओरली आंसर सबको यहाँ पे पता है, मुझे राइटिंग में चाहिए क्योंकि मार्क्स राइटिंग में मिलने वाले दीपेश बेटा। तो याद रखना जो भी ओरली आंसर देखे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, प्लीज डोंट ट्राई इट, क्योंकि आप जो ओरली बोलोगे ना उसके ऊपर सिर्फ हाफ मार्क मिलेगा, ठीक है। ये बात आपने जो ओरली बोला वो अगर आपने लिखा ना उसके ऊपर हाफ मार्क मिलेगा, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा अगर मैं वैल्यूअर हूं तो, ठीक है। इसलिए जितना अच्छे से लिख सकते हो लिखो, गो फॉर इट फास्ट। पांच मिनट खत्म हो रहे हैं आपके। आई होप सो सब सीरियसली लिख रहे होंगे। ओरली आंसर नहीं चाहिए बेटा, लिखना है आपको आपके रजिस्टर में, बाकायदा रजिस्टर में इसको सॉल्व करना है, बाद में अपन चेक करेंगे। फोटो मत भेजो बेटा, आपको खुद ही को चेक करना है, मुझे फोटो भेज के फायदा नहीं है, बिकॉज खुद को खुद की गलतियां पता होनी चाहिए। जिन लोगों का लिखना हो गया है कोई दिक्कत नहीं, रुके रहिए, और कुछ लिख सकते हो क्या सर्च कीजिए, देखिए, सोचिए थोड़ा सा कि इसके ऊपर पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे क्या, 4 मार्क्स की तो कम से कम केस स्टडी है, तो सोचिए इसके ऊपर 4 मार्क्स मिलेंगे क्या। और फोटो भेजने की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस इसलिए क्योंकि आपको खुद की गलतियां पता चले। मुझे तो आपकी गलतियां धड़ाधड़ दिख जाएगी, सिर्फ नजर घुमा लूंगा तो 5 गलतियां ऐसे ही बोल दूंगा, पर आपको जब तक पता नहीं चलेगा तो फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम आपको लिखने, मुझे नहीं। तो आप ही के पास रखिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, नोटबुक के अंदर लिखो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप थोड़ा ये भी सोचिए, जो लोग बोल रहे हैं ना सर हमारा हो गया, अगर ये इतना छोटा रहता ना बच्चों तो मैं आपको 15 मिनट देता ही नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा सोचिए, मैं आपको 15 मिनट दिए हैं, आपके अभी सिर्फ 9 मिनट बाकी है, तो सोचिए मैंने 15 मिनट क्यों दिए, कुछ तो होगा इसलिए दिए होंगे। आंसर कमेंट्स में लिखना नहीं है वर्षा बेटा, आपने ये आपके नोटबुक में लिखना है और खुद ने चेक करना है, ठीक है। ये नोटबुक में लिखना है, कमेंट्स में नहीं। फेरारी रिवर्स करके लिख लिए, रिवाइंड करके लिख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं होगा। गुड मॉर्निंग मस्ती बेटा, आंसर लिखना है। हर्ष यहां आंसर नहीं देना है बेटा, नोटबुक में लिखना है। सेवन मिनट्स रिमेनिंग। वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं होती बेटा, कंटेंट 100% क्लियर होना चाहिए। केतन सिक्स मिनट्स रिमेनिंग, सिक्स में नहीं 5 मिनट्स। चलो डन एवरीबॉडी, 2 मिनट बाकी है आखिरी, जिनका नहीं हुआ फटाफट कंप्लीट कीजिए। सबने ठीक से लिखा होगा आई गेस। लास्ट मिनट डन एवरीबॉडी, हो गया सबका। चलो टाइम्स अप, बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तुमने जो आंसर लिखा होगा रखिए, फिलहाल आपके पास रखिए, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको आंसर लिख के दिखाऊंगा, लेकिन वो लिख के मैं तुम्हारी वाट लगा दूं उसके पहले कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के, वो मैं एक बार सॉल्व कर दूं कि क्या कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं नॉर्मली बच्चों के, उसको मैं एक बार यहाँ पे मार्क किए हैं उसको सॉल्व कर दूं। कमेंट्स करना बंद कीजिएगा, पूरा ध्यान बोर्ड पे दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन मुझे आता है, सर क्या लैंग्वेज ऑफ द आंसर लीगल लैंग्वेज ही होना चाहिए, क्या लॉ वाला ही लैंग्वेज होना चाहिए? सर क्या बेयर टेक्स्ट जो पार्लियामेंट ने टेक्स्ट पास किया लॉ का उसी का लैंग्वेज होना चाहिए सर आंसर का? अगर मैं आपको यहां पे आंसर दूं कि लीगल वाला लैंग्वेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं यहां पे आपको आंसर अगर मैं आंसर दूं, यह आंसर ऐसा नहीं है, अगर मैं आंसर दूं हां कि मुझे लीगल लॉ वाला ही आंसर चाहिए, लीगल लैंग्वेज में ही आंसर चाहिए, अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मुझे लीगल लैंग्वेज में ही आंसर चाहिए, तो मेरा ही खुद का दूसरा सवाल है आपको, कैन यू डू दिस? मतलब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोलूं कि मैं 10 साल से लॉ पढ़ा रहा हूं, मैं अभी तक परफेक्टली पूरी लीगल लैंग्वेज ड्राफ्ट नहीं शायद कर पाऊंगा, हाँ कुछ हद तक के कर लूंगा, पर मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस ही इसलिए। आप तो अभी अभी जुम्मा जुम्मा आए हो, क्या आप लीगल लैंग्वेज में आंसर कर सकते हो? पहले तो मुझे इस चीज का खुद जवाब दीजिए, क्या हम लीगल लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं? बताइए फटाफट। नो सर वी कांट। फटाफट सब जन बताइए, नियरली 80 लोग है, 85 लोग है, मुझे इसका आंसर चाहिए। क्या आप लीगल लैंग्वेज में बेयर टेक्स्ट के लैंग्वेज में आंसर दे सकते हो? तुमने कॉन्ट्रैक्ट का बेयर टेक्स्ट पढ़ा है, सेल ऑफ गुड्स का, पार्टनरशिप का, आप जैसे के वैसे वर्ड रिपीट कर सकते हो। मुझे एक बात बताइए, सीए इंटर का समंदर जितना सिलेबस है, आप जैसे के वैसे वर्ड रट्टू टोते जैसे क्या आप रिपीट कर सकते हो? बोलिए आंसर बोलिए। देखिए सब आंसर दे रहे हैं नो, सो कैन यू डू दिस आंसर है। अगर आपसे पूछा गया कि क्या आप ये कर सकते हो, तो सब लोग मुझे आंसर दे रहे हैं नहीं सर हम ये नहीं कर सकते। और अगर आप ये नहीं कर सकते, नो इफ यू कैन नॉट डू दिस, तो ये सवाल का ही कोई सेंस नहीं है। अगर आप ये कर ही नहीं सकते तो सवाल क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, सवाल तो उस चीज का पूछा जाता है ना जो तुम कर सकते हो, सवाल तो उस चीज का होगा ना जो तुम कर सकते हो। सवाल पूछ के फिर खुद को काहे को परेशान करके रख रहे हो कि नहीं सर मैं लीगल लैंग्वेज में ना कभी आंसर नहीं लिख सकता, पर आप बताइए कि लीगल लैंग्वेज में लिखना चाहिए क्या? ये कौन सा सेंस है? मैंने बोला हाँ लीगल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, पर आप लिख सकते हो क्या? नहीं। तो जो चीज कर ही नहीं सकते, अरे जिस मंजिल को, जिस रास्ते पे जाना ही नहीं, उसके बारे में सोचे क्यों? हम लिख ही नहीं सकते, मैं खुद 10 साल से लिख नहीं सकता, आप कहां से लिख सकोगे? अभी 1-2 साल हुए हैं आपको लॉ पढ़ते हुए, उसमें भी कैसे पढ़ा आपको खुद को मालूम है, फाउंडेशन में कुछ लिखा भी नहीं होगा आपने। सो आप तो लीगल लैंग्वेज में लिख ही नहीं सकते ना, तो क्वेश्चन ही इनवैलिड है। क्या लीगल लैंग्वेज में लिखना चाहिए? क्वेश्चन ही इनवैलिड है, क्योंकि तुम, मैं हां भी बोलूं तो कर नहीं सकते। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है ये एक ऐसा पॉइंट है जो हमारा ड्रॉबैक है, जो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा और सबका ड्रॉबैक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये ड्रॉबैक सिर्फ मेरा है या सिर्फ तुम्हारा है या पूरे स्टूडेंट्स का ये ड्रॉबैक होगा? मुझे इसका भी आंसर दीजिए। क्या ये ड्रॉबैक सिर्फ मेरा है, तुम्हारा या सभी स्टूडेंट्स का ये ड्रॉबैक होगा? आपको क्या लगता है जो लोग फाउंडेशन पास करके आए हैं आपके साथ, वो लीगल लैंग्वेज में सब लोग आंसर लिख सकते हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए। क्या सभी लोग लीगल लैंग्वेज में आंसर लिख सकते हैं? मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या लीगल लैंग्वेज में सभी लोग आंसर लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना, फटाफट कमेंट्स में बताइए। क्या ये तुम्हारा अकेले का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है? सबका प्रॉब्लम है, कोई भी नहीं लिख सकता। अब मुझे बताओ, ये ड्रॉबैक तो सभी स्टूडेंट्स का है ना, ऑल स्टूडेंट्स का है। अब जो चीज सभी स्टूडेंट्स का ड्रॉबैक है तो वो तो ICAI, ICSI इन सबको पता होगा। ICAI, ICSI, ICMAI इन सबको ये प्रॉब्लम पता होगा ना कि भैया सभी स्टूडेंट लिख नहीं सकते। अब सभी का अगर वो प्रॉब्लम है, सभी लोगों का प्रॉब्लम है, और तुम्हारा कंपैरिजन दूसरे स्टूडेंट के साथ किया जाने वाला है मार्क्स देते वक्त, तो एक्चुअली कोई प्रॉब्लम है क्या? फिर अगर ये सभी इंस्टीट्यूट्स को पता है कि स्टूडेंट लीगल लैंग्वेज में लिख नहीं सकते और सभी स्टूडेंट लीगल लैंग्वेज में लिख नहीं सकते, तो मुझे बताओ क्या ये प्रॉब्लम है क्या? फिर क्या ये प्रॉब्लम है? कमेंट्स में बताइए, आपको लगता है क्या ये प्रॉब्लम है? अगर ये सभी स्टूडेंट्स का इश्यूज है तो क्या ये प्रॉब्लम है? तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि सभी लोग ऐसे ही लिखने वाले हैं। तो तुम्हारे पेपर भी जिससे कंपेयर हो, तुम्हारा पेपर रैंकर से भी कंपेयर होगा ना, तो रैंकर भी इसी लैंग्वेज में लिखने वाला है, नॉर्मल लैंग्वेज में, वो भी लीगल लैंग्वेज में नहीं लिखने वाला। तो ये सबका ये जो प्रॉब्लम है बच्चों, ये सबका प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम है। होल्ड, कुछ कॉल आ रहा है। So, ऐसा नहीं, दिस इज जस्ट योर प्रॉब्लम, ये सबका प्रॉब्लम है, इसलिए ये प्रॉब्लम ही नहीं है। जो चीज सबके लिए प्रॉब्लम है, सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सिंपल एज दैट। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ तुम्हारे है तो वो प्रॉब्लम है। सभी स्टूडेंट मस्त चल रहे हैं और तुमको ही तकलीफ है तो वो प्रॉब्लम है, पर अगर सभी स्टूडेंट लिख नहीं सकते तो प्रॉब्लम काय का? तो पहला सवाल जो तुम्हारा है, सब लीगल लैंग्वेज होना चाहिए क्या? लैंग्वेज होना चाहिए का? कोई जरूरत नहीं है। ये सभी लोग नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, अपन ने भी नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, प्रोवाइडेड आपका कंटेंट जो है ना बेटा, आपका कंटेंट, सिर्फ आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखो। इंग्लिश टूटा फूटा सा थोड़ा चलेगा, मेरा भी टूटा फूटा ही इंग्लिश था, कोई बहुत अच्छा इंग्लिश नहीं था, तो टूटा फूटा सा इंग्लिश चलेगा, टूटी फूटी सी लैंग्वेज चलेगी, प्रोवाइडेड इंग्लिश लैंग्वेज होनी चाहिए। हिंदी मत घुसेड़ देना बीच में, या तमिलनाडु तेलुगु या फिर कोई भी मराठी गुजराती, नहीं तो केम छो मजामा छो वगैरह मत घुसेड़ देना। यहां पे आपका 100% बच्चों सिर्फ कंटेंट देखा जाता है। What matter is 100% कंटेंट। लैंग्वेज के आप तेल लेने, अगर आपका 100% कंटेंट क्लियर है ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। रैंकर को भी इसी के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। कभी हमको बीच में अगर समय मिला तो मैं आपको रैंकर्स के पेपर भी ओपन करके दिखाऊंगा, उन्होंने भी कुछ भारी लैंग्वेज में नहीं लिखा है, उन्होंने सिर्फ साफ पेपर लिखा है, प्रॉपर लिखा है, सिस्टमेटिकली लिखा है, अपने लैंग्वेज में लिखा है, 100% कंटेंट क्लियर रखा है। और मैं आपको बोलता हूं 100% अगर आपका कंटेंट क्लियर होगा, किसी के आंग में इतना दम नहीं है, किसी के आंग में इतना दम नहीं है कि आपका एक सेकंड एक मार्क भी काट सके, अगर 100% कंटेंट क्लियर होगा तो। क्योंकि जो चेक कर रहा है उसको भी शायद लीगल लैंग्वेज नहीं आता। तुम सोचो ना, वो भी तो सीए मेरे जैसे ही बना है, तो मैं सीए बनने के बाद 10 साल तक के पढ़ा रहा हूं, मेरे को नहीं आता, तो आपको क्या लगता है जो चेक कर रहा है उसको आता होगा? ऑब्वियसली नहीं, तो उसको भी लीगल लैंग्वेज नहीं आता, तो कैसे एक्सपेक्ट करेगा आपसे? तो ये जो सबसे बड़ा सवाल होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम का, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन कि लैंग्वेज मायने रखता है क्या? बिल्कुल नहीं। 100% कंटेंट क्लियर हो तो आपका लैंग्वेज मायने नहीं रखता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो यस और नो। आइडिया क्लियर है मैं क्या बोला? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, समझ में आया तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक किए और फटाफट बताइए आपको ये समझ में आया क्या? समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, फिर भी कुछ बच्चे रहते हैं कि सर हमने वर्ड ऑफ लॉ यूज करने चाहिए, तो आप कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। और वर्ड ऑफ लॉ कौन से यूज करना है? आपका अगर लैंग्वेज का ही थोड़ा इशू है तो मैं आपको एक सहूलियत खुद की तरफ से ये देख सकता हूं, थोड़ा सा ग्रीन पॉइंट में इसको बना दूं, मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड मार्क करके दूंगा, ऐसे वर्ड्स मैं आपको मार्क करके दूंगा ड्यूरिंग द एंटायर सिलेबस, ऐसे कुछ वर्ड्स मैं आपको मार्क करके दूंगा ड्यूरिंग एंटायर सिलेबस जो वर्ड ना लॉ के लैंग्वेज जैसे लगते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल मैं आपको वर्ड बताता हूं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूं आई कैन लिफ्ट दिस पेन, आई कैन लिफ्ट दिस पेन, मैं ये पेन उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस पेन, ये मैंने वर्ड यूज किया। मैं आपको तो इसी को अगर लॉ के लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है ना, इतना तो मेरे को आता है, आई कैन लिफ्ट दिस पेन, ये नॉर्मल इंग्लिश हुआ, पर I shall get this pen lifted with my own hands is a legal language. ठीक है? So I can lift this pen, normal language. I shall get this pen lifted with my own hands is a legal language. शॉल ये वर्ड ऐसा है ना कि आप शॉल वर्ड जितने जगह पे यूज करोगे आपको ऑटोमेटिकली लीगल लैंग्वेज। अब बीच ले लो, एक वर्ड में आपको भी बोल दूं, शॉल ये वर्ड आप जितने जगह पे यूज करोगे उतना ज्यादा लैंग्वेज को लीगल लैंग्वेज का टच होगा। ठीक है, ऐसा बोलना चाहिए। देखो, कंपनी ने पेनॉल्टी पे करनी ही चाहिए, कंपनी मस्ट पे अ पेनॉल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज, पर लॉ में कभी मस्ट नहीं बोला था। लॉ में क्या बोला था? कंपनी शॉल पे अ पेनॉल्टी ऑफ 10 लाख रुपीज। सो ये जो शॉल वर्ड है ना, इसको जितने ज्यादा जगह यूज करोगे ना उतना अच्छा आपकी लैंग्वेज वैसी लीगल लैंग्वेज दिखना शुरू हो जाएगी। ये पहला वर्ड मेरे से ले लीजिए, ट्रिक, गुरु मंत्र, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं बता रहा हूं। शॉल ये वर्ड जितने ज्यादा जगह पे आप यूज कर सकते हो करो, आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली लीगल हो जाएगी। आई विल ड्रिंक अ वाटर, आई विल ड्रिंक अ वाटर। आप बोल रहे हो, विल निकाल दो, आई शॉल ड्रिंक अ वाटर। लगता है लीगल लैंग्वेज में बात कर रहा है। क्लियर है कंसेप्ट? कंपनी विल फाइल अ डॉक्यूमेंट विद आरओसी, कंपनी विल फाइल अ डॉक्यूमेंट, कंपनी कैन फाइल अ डॉक्यूमेंट आरओसी ना, कंपनी शॉल फाइल अ डॉक्यूमेंट विद आरओसी, लीगल लैंग्वेज लगता है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं मैं जो आपको बताऊंगा जो आपने रिप्लेसेबली यूज करने, तो आपकी ऑटोमेटिकली लैंग्वेज लीगल लगना शुरू हो जाएगी। तो एक बोनस एडवांटेज में दे रहा हूं अपने क्लास के अंदर कि आप ये ट्राई करो, आपकी ऑटोमेटिक लैंग्वेज ठीक होना शुरू हो जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा? तो पहले सवाल का जवाब, ठीक है, तो मुझे ये सवाल का जवाब समझ में आया, तो मैं जाता हूं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल मुझे किसी ने तो भी पूछा, हर बार पूछते हैं कि सर एक आंसर में नंबर ऑफ वर्ड कितने लिखने होते हैं, एक आंसर में नंबर ऑफ वर्ड कितने लिखने होते हैं। इसके लिए ना मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा तुम्हारी आंसर राइटिंग की अभी तक की क्या टेक्निक थी इसके ऊपर, कि तुम फाउंडेशन में क्या आंसर लिखते थे और तुम अब सीए इंटर और फाइनल पे क्या आंसर लिखोगे। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, बड़े अच्छे तरीके से आपको आइडिया आएगा। हो सकता है फाउंडेशन में तुम वर्ड्स काउंट करते होंगे पर सीए इंटर पे वर्ड मायने रखते। मेरा इसका भी आंसर वही है। 100% कंटेंट अगर आप लिख रहे हो तो वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स इज इररेलेवेंट। इररेलेवेंट का स्पेलिंग में भूल गया था 2 मिनट के लिए, अगर सही भी नहीं होगा तो सही मान के आगे बढ़ जाना। ठीक है, LEVENT, नंबर ऑफ वर्ड्स इज इररेलेवेंट। बीच में ऐसा कभी तो भी स्पेलिंग गायब हो जाते हैं मेरे दिमाग से, डोंट वरी। सो 100% कंटेंट अगर आपका क्लियर है, नंबर ऑफ वर्ड्स इज इररेलेवेंट। अब ऐसा भी हो सकता है कि 16 मार्क के क्वेश्चन का आंसर 4 लाइन का भी हो सकता है अगर बहुत डिफिकल्ट लेवल है तो, या 16 मार्क के क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा भी हो सकता है। ठीक है, या 4 मार्क के क्वेश्चन का आंसर भी 2-3 पेज का हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन डिफिकल्टी लेवल। नंबर ऑफ वर्ड्स आप कितने लिखोगे, मतलब ये कोई रूल नहीं है, पर नॉर्मली क्या होता है ये मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताता हूं। नॉर्मली अगर आपके क्वेश्चन का कंसेप्ट डिफिकल्ट है, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ वर्ड्स और आपके नंबर ऑफ मार्क्स कैसे होंगे ये मैं आपको थोड़ा सा यहां पे एक टेबल बना के देता हूं समझने के लिए कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट पेपर ड्राफ्ट करती है। क्वेश्चन का कंसेप्ट ही अगर डिफिकल्ट है, क्वेश्चन का कंसेप्ट ही डिफिकल्ट है, ऐसा कंसेप्ट है जो किसी को नहीं समझ में आता, किसी को समझ में नहीं आता, ऐसा कंसेप्ट है भयानक वाला कि भाई बहुत सारे लोग उसको पढ़ते नहीं है, एक्सेप्शन में छोड़ देते हैं, ऑप्शन में छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग उसको समझते ही नहीं है या बिना समझे आगे निकल जाते हैं, बहुत इनडेप्थ है, बहुत एनालिसिस है, कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है। और मार्क्स ये बहुत कम है, जैसे 4 मार्क का ही क्वेश्चन है, नॉर्मली 4 मार्क्स का मिनिमम वेटेज रहता है, 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो आपके नंबर्स ऑफ वर्ड माइट भी वेरी लेस हो सकते हैं, वेरी लेस, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल ही इतना पूछ लिया कि भी आप 2-4 लाइन भी लिख दोगे ना तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल इतना तगड़ा था 4 मार्क्स के लिए। कंसेप्ट समझ में आया? अगर कंसेप्ट का क्वेश्चन एवरेज है तो आपको नंबर ऑफ वर्ड्स भी एवरेज लिखने पड़ेंगे 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, लेकिन आपका कंसेप्ट बहुत इजी है, ऐसा इजी कंसेप्ट है हर बंदा पढ़ता है, हर बंदा लिख सकता है, तो हो सकता है आपको नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा लिखने पड़ेंगे, ह्यूज नंबर ऑफ वर्ड्स, ज्यादा वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे 4 मार्क के लिए, क्योंकि सब जन लिख रहे हैं। और अगर सब जन लिख रहे हैं तो आपको आपका आंसर अगर एक्सेप्शनल बनाना है तो आप कैसे लिखोगे, तो आपको हो सकता है नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा लिखने पड़े। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। वही अगर ये क्वेश्चन 8 से लेकर 16 मार्क्स के बीच में है और कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है। नॉर्मली ये होता है, ये मैं कोई रूल नहीं बोल रहा, ये नॉर्मली होता ही है, बोल रहा हूं ऐसा ही होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, बट 70-80% में ऐसा ही होता है। तो अगर 8 से 16 मार्क का क्वेश्चन है और कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट है, स्टिल यू विल रिक्वायर टू यूज द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्ड्स। एवरेज अमाउंट ऑफ वर्ड्स तो भी आपको यूज करने पड़ेंगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स आपको यूज करने पड़ेंगे। और फिर अगर आपका कंसेप्ट काफी एवरेज है तो आपको ह्यूज नंबर ऑफ वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, ह्यूज वर्ड्स, बिकॉज मार्क का वेटेज ही कंसेप्ट का वेटेज ही 8 से 16 मार्क्स के बीच में है। तीसरा, आप बोलोगे सर 8 से 16 मार्क के लिए एकदम इजी क्वेश्चन आ जाएगा, भूल जाइए बच्चों, भूल जाइए। 8 से 16 मार्क के लिए इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता। तुम मुबारक हो, तुम सीए में हो, जैसे वो कहते हैं ना कि मुस्कुराओ तुम लखनऊ में हो, मुस्कुराओ तुम लखनऊ में हो, उसी तरीके से मुबारक हो तुम सीए में हो। ऐसा कोई कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता सीए में कि 16 मार्क का क्वेश्चन तुमको इजी वाला पूछ लेंगे, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है आंसर? तो इस चीज को थोड़ा फिट कर लेना दिमाग में, ठीक है? आपको अगर ये दिख रहा है कि जो क्वेश्चन है वो बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट है, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है मैं नहीं पढ़ा है, तो आप नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन कंसेप्ट एवरेज है, सब पढ़ने वाले, सब लिखने वाले, एवरेज लिखो। कंसेप्ट बहुत ईजी है, जितना ज्यादा कंटेंट ठोक सकते हो ठोको। क्लियर है कंसेप्ट? लेकिन 8 से 16 मार्क का क्वेश्चन है, कंसेप्ट डिफिकल्ट है, एवरेज राइटिंग तो भी होना चाहिए, ठीक है? ये चीज को आपने याद रखना। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सर नंबर ऑफ वर्ड्स मतलब कितना? तो मैं आपको सिंपली कुछ इस एंगल से बोल सकता हूं। एवरेज के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, एवरेज के लिए 4 मार्क्स के लिए 1 पेज लिखना, आंसर शीट का 1 पेज। मतलब अगर ये पेज है फ्रंट बैक, तो सिर्फ आपने फ्रंट एक पेज भी 4 मार्क के लिए एवरेज क्वेश्चन में एवरेज वर्डिंग यूज किया तो भी फिलअप हो जाता है, नॉर्मली फिलअप हो जाता है। हमेशा फिलअप होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ मैं एक छोटा सा आपको सहूलियत दे रहा हूं, एक डायरेक्शन दे रहा हूं, पर जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है कि एवरेज के लिए आपको ह्यूज नंबर ऑफ वर्ड यूज करने पड़े, इट डिपेंड्स ऑन पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी, बट नॉर्मली ऐसा होता है, ये मैं बोल रहा हूं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जितना मेरा रिसर्च है, जितना मेरा स्टडी, उसके हिसाब से मैं ये बोल रहा हूं। कंसेप्ट समझ में आया? तो सेकंड सवाल का अगर आपको जवाब समझ में आएगा, लेकिन पहला रूल, हमेशा फर्स्ट रूल, 100% कंटेंट। अगर आपको 100% कंटेंट में 10 पेजेस लिखने पड़े, लिखना, पूरे लिखना, ठीक है? छोड़ना किसी को नहीं, पूरे 10 पेजेस लिखना, भले ही मार्क्स कितने भी हो, ये बहुत जरूरी है। हाँ, मार्क्स को देख के थोड़ा आंसर भी शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरा पेपर भी 100 मार्क्स का मैनेज करना है, तो ऐसा मत करना कि 4 मार्क के लिए तुम 10 पेज वही लिखते बैठे, इतना भी मत करना, इतना भी करने की जरूरत नहीं, और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट पूछेगा भी नहीं, ठीक है? ऑन एन एवरेज 1 मार्क, 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में लिखने के लिए 1.6 मिनट्स मिलते हैं। 1 मार्क आपको एग्जाम में कमाने के लिए 1.6 मिनट्स मिलते हैं। सर आपने ये इक्वेशन कहां से लाया? 1 मार्क का लिखने के लिए 1.6 मिनट्स मिलते हैं, आपने कहां से इक्वेशन लाया? खुद भी बोलते हो हम मान लेंगे। नहीं बेटा, कहीं से लाया नहीं है, सिंपल सी बात है, 100 मार्क का पेपर होता है, सबको पता है 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 3 घंटे मिलते हैं सबको, 3 आवर्स मिलते हैं, मतलब आपको मिलते हैं नियरली 180 आवर्स, 180 मिनट्स, 3 घंटे के 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में से आपके 10 मिनट जाएंगे बेटा पेपर रीडिंग और पेपर चेकिंग के लिए, ये 10 मिनट देनी है, स्टार्टिंग के 5 मिनट, एंड के 5 मिनट, तो आपके बचते हैं 160 मिनट्स। तो अगर 100 मार्क के लिए 160 मिनट्स, तो 1 मार्क के लिए आपको 1.6 मिनट मिलते हैं लिखने के लिए। तो आपका 4 मार्क का जो क्वेश्चन है बच्चों, अगर मैं इसको टाइम अलॉट करूं तो 4 मार्क का क्वेश्चन ये नियरली 6.4 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, 6.4 मिनट में लिख के खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? ये चीज को आपने याद रखना। 4 मार्क का क्वेश्चन आपका 6.4 मिनट्स में खत्म होना चाहिए, 4 मार्क का क्वेश्चन आपका 6.4 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए लिख के, मैक्सिमम 7 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। ये मैं आपको पूरी इक्वेशन दे रहा हूं, अभी एग्जाम कैसे लिखना है इसके, लेक्चर नंबर 9वां ही चल रहा है आज अपना, पर मैं पूरी इक्वेशन दे रहा हूं एग्जाम कैसे लिखना है। 8 से 16 मार्क का अगर आपका क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है कि आपको नियरली 30, एक कम अगर मैं कंसीडर करूं तो 1.6, मतलब आपको नियरली 12 से 13 मिनट के अंदर 8 मार्क का क्वेश्चन खत्म होना चाहिए। और 16 मार्क्स का अगर सवाल है तो नियरली हमारा ऐसा कह सकते हैं हम कि 30 मिनट्स के अंदर 16 मार्क का सवाल खत्म हो जाना चाहिए, 30 मिनट्स के आसपास। कंसेप्ट समझ, 30 मिनट में नहीं, 20 मिनट्स के आसपास आपका 16 मार्क का क्वेश्चन खत्म होना चाहिए, 20 से 25 मिनट्स में। ये इक्वेशन आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, क्लियर है? तो लिखना भी इतना जो समय के हिसाब से हो। अगर आपको लग रहा है कि 4 मार्क के लिए ये सवाल में लिखने के लिए 4 पेजेस लगेंगे, वो सवाल को ऑप्ट मत करो, किसी और सवाल को ऑप्ट करो। पर मैं आपको मूल मंत्र दे रहा हूं एग्जाम में कैसे लिखना है इसके, तीसरे वाली चीज, क्योंकि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पूरे अगले 60-70 लेक्चर में बहुत तगड़े लेवल पे करने वाले, तो ये सब चीजें काम की है। नेक्स्ट बच्चे मेरे को सवाल पूछते हैं उस सवाल के ऊपर मैं थोड़ा सा आ जाऊं। सर आंसर शॉर्ट होना चाहिए लॉन्ग होना चाहिए, इसका आंसर यही रहा। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दे दिया है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सबका एक्सप्लेनेशन मैंने एक साथ ही दे दिया है। 100% कंटेंट जरूरी है, शॉर्ट या लॉन्ग आंसर से फर्क नहीं पड़ता। कंटेंट 100% ठीक है, आंसर शॉर्ट हो या लॉन्ग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोवाइडेड रिलेवेंट टू टाइम आपने उसको लिखना चाहिए। हाँ लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो यहां पे मेरे साथ में तो आपने पूरा आंसर लिखना चाहिए, भले ही आंसर 10 पेज का क्यों ना हो। प्रैक्टिस करने के लिए पूरा आंसर लिखो, भले ही एग्जाम में आप उसको कट शॉर्ट वगैरह करो, वो अलग बात है। नेक्स्ट अगला सवाल बच्चे मुझे बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं, जो मेरा खुद का भी सवाल था जब मैं सीए कर रहा था, दैट इज सर हैंडराइटिंग से कोई फर्क पड़ता है क्या? हैंडराइटिंग से कोई फर्क पड़ता है क्या सर? आप हमें बता सकते हो सर हैंडराइटिंग से कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं आपको बोलूंगा बेटा हैंडराइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, हैंडराइटिंग इज इररिलेवेंट। मेरी हैंडराइटिंग देख लो मेरी कैसी, वैसे मेरे पेजेस के ऊपर काफी अच्छी हैंडराइटिंग आती है। मैं बोल रहा हूं मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है मतलब है, मैं आपको बुक रजिस्टर ओपन करके दिखाऊंगा आपको समझ में आएगा दर्शन सर की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। वो तो लैपटॉप के ऊपर मेरे हाथ फिसल जाते हैं इसलिए कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा, चुप बिल्कुल चुप कोई नहीं। सो हैंडराइटिंग इज इररिलेवेंट। मेरी हैंडराइटिंग इतनी खतरनाक होने के बावजूद भी अगर मैं पास हो सकता हूं तो आपकी हैंडराइटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे बुरी तो होगी नहीं। डॉक्टर की हैंडराइटिंग के साथ भी इंसान पास हो सकता है, उल्टा जिसकी हैंडराइटिंग बुरी होती है वो जो बहुत जल्दी पास होता है, क्योंकि वो जो लिखता है और जो वैल्यू और पढ़ता है उसको समझ भी नहीं आता है क्या पढ़ रहा है, तो सोचने में ऑन एन एवरेज मार्क देते हुए आगे बढ़ जाता है। ये भी एक चीज होती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूं, पर हैंडराइटिंग से फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट वाली चीज सर क्या फॉर्मेटेड आंसर लिखने से फर्क पड़ता है? क्या आंसर राइटिंग में फॉर्मेट होना चाहिए? कोई फॉर्मेट हमने स्पेसिफिकली फॉलो करना चाहिए? तो जरा आ जाइए। अब आते हैं आपने फाउंडेशन पे क्या आंसर लिखा और इंटर पे और फाइनल पे आप क्या आंसर लिखोगे, ठीक है? बड़े अच्छे से ध्यान देना। ये केसेस नियरली आपको फाउंडेशन में भी थे और फाउंडेशन में आपको ये केसेस पूछ लिए किसी ने। समझो फाउंडेशन में आप पेपर कैसे लिखते थे इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। फाउंडेशन ऑब्लिक शी पी टी, शी पहले था ना वो शी पी टी, शी पी टी, समझ में आ रहा है? तो फाउंडेशन और शिपीटी में आप क्या आंसर्स लिख रहे थे, किस तरीके से आप लिख रहे थे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लेट्स इमेजिन फाउंडेशन में किसी ने आपको आंसर पूछा व्हाट डू यू मीन बाय कोजी कॉन्ट्रैक्ट, कि हमें कोजी कॉन्ट्रैक्ट बताइए। अब बच्चा जब फाउंडेशन में पढ़ता था ना तो बच्चा क्या करता था, एक बुक उठा ली कोई भी जो जबरदस्त वाली बुक है मार्केट में उठा ली और बच्चा उसको रटना शुरू करता था। कोजी कॉन्ट्रैक्ट मींस अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच डिपेंड्स ऑन सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट यूजिंग सर्टेन ऑन सिचुएशंस और नो कोजी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ जब तक ये बंदा ना करेंगे उसको खुशी नहीं मिलती, पूरा रात उनको कोजी कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट, कोजी कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट, कोजी कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ताकत से रटना शुरू, पूरा रट्टू तोता, थ्री सब्जेक्ट रट्टू तोता बनना ही, तो कोजी कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट बनना शुरू। फिर बुक बंद करके कोजी कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड ऑन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं आ रहा, अच्छा कोजी कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ये चल रहा था। बच्चा बम ताकत से बंदा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? पूरा रट लिया स्टार्टिंग से एंड तक, स्टार्टिंग से वर्ड से एंड के वर्ड में पूरा एकदम खतरनाक रट लिया और जाते से ही फाउंडेशन के एग्जाम में स्ट्रेट अवे आपको सवाल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1A फाउंडेशन के प्रॉब्लम में, टेल व्हाट डू यू मीन बाय कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही उसने देख लिया व्हाट डू यू मीन बाय कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, पूरा पेपर पढ़ना रहेगा तेल लेने। पहला ही सवाल दिखा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट तो मैं यहां पेल के लिखूंगा, बंदा शुरू हो जाता है पूरा ताकत से रटा होता है ना, तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट पर रटा है। एग्जाम में प्रेशर है, 4 पेपर लिखने थे, 3 घंटे तक के सभी सवाल सॉल्व करने थे, खून पसीना एक करना था, ऊपर से गर्मी होती थी, एसी नहीं, क्लासरूम के अंदर पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, कोरोना के टेंशन थे, बोलो हाँ ना किसी छींक दे तो यहाँ फट जाती थी, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट उसने लिखा। बाद में अब ट्रेन थी, रटा था, तो भैया ट्रेन के इंजन ने तो पुश दे दिया, लेकिन पहले उस वक्त वो एक ही क्वेश्चन रट रहा था, तो ट्रेन का इंजन एक ही डब्बा लेके चल रहा था, एक क्वेश्चन लेके चल रहा था, मतलब एक डब्बा। अभी तो साला इतने बड़े डब्बे, इतना पूरा सिटी लेके चलना है ट्रेन के इंजन को, तो कैसे याद आएगा? तो लिखता था कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मींस 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 मी, वो कवरेज पकड़ने की आदत, वो हमेशा ऐसे ही पढ़ा था ना, तो कवरेज पकड़ मी, फिर भी याद नहीं आ रहा। हे भगवान, इतनी शिद्दत से रटा हुआ क्वेश्चन, इतनी शिद्दत से रटी हुई थ्योरी का लाइन 1 ही भूल गए। क्यों? क्योंकि जब याद कर रहे थे तो एक ही क्वेश्चन याद कर रहे थे, और जब लिखने गए तो पीछे पूरे 3 घंटे का पेपर पड़ा है, आगे पूरे 4 सब्जेक्ट पड़े, तो कैसे याद आएगा? ऊपर से प्रेशर है, ऊपर से गर्मी है, कैसे याद आएगा? तो बंदे ने शुरू किया कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मींस मींस मींस, फिर थोड़ा इधर उधर देखना शुरू, कुछ नहीं दिख रहा, इधर देखना शुरू, कुछ नहीं दिख रहा। पहला सवाल, दिमाग खराब हो गया। अब बंदा करे तो क्या करे, फिर बंदा इसको काटता है। पहला ही पेज आंसर शीट का, पहला ही क्वेश्चन हाथ में लिया, काट दिया। पहले दो लाइन, हाँ इतना रटा है, कुछ तो कंसेप्ट याद होगा, कुछ तो कंसेप्ट याद होगा। तो फिर बंदा फिर भी हिम्मत करके लिखता है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट which depend on two different contract and this contract is not existing at the time of contracting। और ये लिख के बंदे ने फुल स्टॉप लगाया, कंसेप्ट पूरा लिख दिया। ये कंसेप्ट लिख के उसके 4 लाइन भर गए। फिर उसने मार्क्स की तरफ देखा, और ये तो 4 मार्क का सवाल है। साला 4 मार्क का सवाल है, मैंने 4 लाइन लिखी, 1 लाइन को तो 1 मार्क तो वैल्यू और नहीं देने वाला। अब मैं क्या करूं जिंदगी में, अब मैं क्या कर सकता हूं, साला क्या लिखूं मैं इसके अंदर, 4 लाइन में तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। हमारा तो इक्वेशन है भैया, 4 मार्क्स मतलब 1 पेज, 1 पेज तो कम से कम लिखना चाहिए जिंदगी में, उसके नहीं लिखा तो पाप है, पाप का बाप है। ये करोगे तो 4 लाइन पे तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो बंदा क्या करता है, नीचे पैराग्राफ में यहां लिखना स्टार्ट कर देता है। कौन सी चीजें, जो उसका ब्रह्मास्त्र होता है। आ गया ब्रह्मास्त्र। क्या ब्रह्मास्त्र, कॉज सी कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय स्पेसिफाइड पर्सन विथ अ स्पेसिफाइड पर्सन इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म एट अ स्पेसिफाइड टाइम विथ अ स्पेसिफाइड कंटेंट इन अ स्पेसिफाइड रिलेवेंट एरिया विथ अ स्पेसिफाइड कंसिडरेशन, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाइड सिचुएशन, स्पेसिफाइड कंडीशन, स्पेसिफाइड एटमोस्फियर, स्पेसिफाइड अर्थ planet, specified galaxy, specified solar system, specified Milky Way, specified Andromeda galaxy, specified human, specified animal, specified mammal, specified biology, specified science, specified physics, specified chemistry, specified mathematics, specified, specified, specified। तो एक भैया हमने 7 लाइन का जुगाड़ कर दिया, सिर्फ एक वर्ड के भरोसे पे, specified। ये तो फेवरेट वर्ड है ना हमारा, हम किधर भी पटक सकते हैं, जहां कुछ याद नहीं आता वहां स्पेसिफाइड याद आता है। ये पढ़ने के बाद वैल्यूअर को लगता है कि इसको मार्क्स नहीं देना चाहिए, इसको लिख देना चाहिए मार्क्स एज मे बी स्पेसिफाइड, मार्क्स एज मे बी स्पेसिफाइड। बंदा ये लिखता है, क्योंकि मैं तो हूं तो मैं वैसा ही लिखू, मार्क्स एज मे बी स्पेसिफाइड मतलब 0। तो भैया ये दूसरा पैराग्राफ हो गया खत्म। पर 4 मार्क के लिए 2 पैराग्राफ लिखे, फिर भी पेज की आखिरी 4 लाइन ब्लैंक है, फिर भी आखिरी 4 लाइन ब्लैंक है। कैसे होगा, इक्वेशन तो 4 मार्क में 1 पेज है, 4 मार्क में 1 पेज है, कैसे होगा, क्या करूं मैं जिंदगी में, क्या करूं। और जब तुम इस दुविधा के साथ खेल रहे हो, तब एक बंदा क्लास में हाथ उठा के बोल दे सर सप्लीमेंट, तो तुमको ऐसा लगता है कि इस बंदे ने तुम्हारी किडनी मांग ली है। नहीं लगता है, जब तुम इस दुविधा में फंसे हो, तुम्हारा एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो रहा, नीचे के 4 लाइन ब्लैंक है और तुम इस दुविधा में फंसे हो, तब कोई हाथ उठा के बोल दे सर सप्लीमेंट, मन करता है कि इसने मेरी किडनी मांग ली है, मैं इसको पकड़ के ऐसे तोड़ दूं, इसको फोड़ दूं, जिंदगी में धाप धूप खत्म कर दूं, इसका मर्डर कर दूं, एक ही मर्डर 10 बार कर दूं। नहीं होता है, सप्लीमेंट मांगता है बंदा, तो नहीं फ्रस्ट्रेशन आता है, क्यों तुम तो 1 पेज खत्म करने पर नहीं आ रहे हो। तो अब यहां कुछ तो लिखना है, ऐसे कैसे, कुछ तो लिखना है जिंदगी के अंदर, कुछ तो लिखना है। तो बंदा आखिरी के 4 लाइन में अब वो चीजें लिखता है जो रिलेवेंट नहीं है पर जो उसको याद आती है, जो रिलेवेंट नहीं है पर उसको याद आती है। कौन सी, द पब्लिक कंपनी हैव 7 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी को 7 मेंबर होने चाहिए। काई को होनी चाहिए, किसने पूछा, तेरे को सवाल पूछा हमने कॉसी कॉन्ट्रैक्ट का, तू लिख रहा है पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होनी चाहिए। नहीं नहीं सर मेरे को ये मालूम है, क्योंकि क्योंकि प्राइवेट कंपनी में भी 2 मेंबर्स होने चाहिए। अबे तेरे को पूछा क्या प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर होने चाहिए? नहीं सर पर मेरे को तो मालूम है ना। अरे तेरे को नहीं पूछा पर हमने, नहीं पर मैं तो लिखूंगा क्योंकि 4 लाइन ब्लैंक है। ये तुमने लिखा एक क्वेश्चन, ये तुमने लिखा एक क्वेश्चन, और ऐसे एग्जाम में तुम 50 मार्क के लिए कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन लिख के आते हो, 100 मार्क के लिए 25 क्वेश्चन लिख के आते हो सीए इंटर पे। सर यू आर वेयरिंग हाफ पैंट, मैं शॉर्ट्स पहन के पढ़ा रहा हूं बेटा, ऊपर का सिर्फ फॉर्मल है। कोविड में हमको समझा दिया है कि ऊपर फॉर्मल पहनो, नीचे शॉर्ट्स पहन के पढ़ाओ, ठीक है। सो सिंपल सी बात यह है कि भैया मेरे पैंट्स की तरफ ध्यान मत दो, ये देखो ये हरकतें ऐसी है ना जिंदगी में। सर आप शॉर्ट्स पहन के बैठे हो, क्या बोले, हाँ मैं पहन के बैठा हूं, पर मैं समझा क्या रहा हूं उसको तो देख मेरे भाई, मतलब इतना पूरा मैंने प्रपंचा किया, इतना मैं अंदर से बोल रहा हूं, बंदों का कहीं पढ़िया सर तुमने शॉर्ट्स पहन के रखे। अब तुम्हारी तो शर्म करो जिंदगी के अंदर, मैं क्या कह रहा हूं तुम क्या सुन रहे हो, नया है वह, पागल हो गए हो जिंदगी के अंदर, क्या लेना देना, मैं शॉर्ट्स पहनूं या मैं कुछ भी ना पहनूं या सब कुछ पहन लूं, जैकेट पहन के पढ़ो, क्या फर्क पड़ने वाला, तुम्हारे मार्क में इजाफा होगा। क्या भगवान, मतलब अब उसमें भी 3/4 पहना है, नहीं आगे कैसे लोग हो तुम जिंदगी के अंदर, मटेरियल काम की चीजें गई तेल लेने, आगे ध्यान देना कि क्या पढ़ा रहा हूं, क्या शॉर्ट वन आगे लेट्स गो। सो 12 से 15 क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाते हो, ऐसे कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, 12 से 15 आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो, पूरा बोर्ड के ऊपर अच्छे तरीके से ध्यान देना। 25 सवाल आप जब ऐसे सॉल्व करके जाते हो ना, तो वैल्यूअर इसको पढ़ के उठता नहीं, उठ जाता है, समझ में आ रहा है, वैल्यूअर इसको पढ़ के उठता नहीं, उठ जाता है जिंदगी में। मुझे एक बात बताओ, समझो ऐसे 25 सवाल, और आपको बताओ वैल्यूअर ऐसे एक दिन में 200 क्वेश्चन आंसर चेक, 200 आंसर शीट चेक करता है, कितने आंसर शीट चेक करता है, 200 आंसर शीट चेक करता है, 200 आंसर शीट मल्टीप्लाइड, मिनिमम 200 आंसर शीट मल्टीप्लाइड बाय 25 ऐसे क्वेश्चन, मतलब अगर आप देखो तो टेंटेटिवली ऐसे 5000 क्वेश्चन वो एक या दो दिन में चेक करता है। आप सोचो, कोई मैं वैल्यूअर हूं, मैं सवेरे नहा बहा के अगर मस्त ऐसे पेपर चेक करने के लिए बैठ गया, पेपर चेक करने के लिए बैठा, मैं शुरू किया पहला पेपर पढ़ना, या ऐसा मेरे को आंसर दिखेगा, मेरा मूड खराब हो जाएगा एक पेपर पढ़ने के बाद में, बीवी को बोलूंगा बीवी चाय ला, बीवी चाय लेके देगी, बीवी से चाय, ये क्या चाय बनाई, इसके अंदर तो शक्कर ही नहीं है, चाय, मूड खराब हो जाएगा, फैन के ऊपर चाय, टेबल के ऊपर चाय, इधर पेपर के ऊपर, पेपर पे तो गुस्सा निकाल नहीं सकते, फाड़ नहीं सकते, क्या करेंगे, तो इधर उधर गुस्सा, उधर से बेटा आया, बेटा आया, बेटा खिलौना खेल रहा है, क्या खिलौना खेल रहा है, तेरे बाप का खिलौना हो चुका है, नहीं दिखाई देता तेरे को, फिर बेटा उधर से आया, पापा पापा एक और खिलौना, खिलौना चाहिए तेरे को, ये ले पेपर, कर पुंगली, नहीं होगा ये हाल, पुंगली कर मतलब जा पुंगली से खेल, तुम अजीब अजीब चीजें मत सोचना, नहीं होगा ये हाल, नहीं खराब होगा। तो तुम सोचो, तुमको अगर ऐसे 5000 क्वेश्चन 2, 3 या 10 दिन में भी चेक करने पड़े, तुम्हारा मूड नहीं खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं लगेगा जिंदगी जहन्नुम चली गई है, वो भी ऐसे आंसर। भैया 2 बार पढ़ने के लिए तो फनी लगता है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, मैंने पेपर चेक किए हैं, ये 2 बार 10 बार पढ़ने के लिए फनी लगता है, पर ऐसे ही आंसर जब कंसिस्टेंटली आते हैं ना, तो ऐसे अंदर से ऐसे ज्वालामुखी फटता है, समझ में नहीं आता इस पेपर के साथ करूं क्या जिंदगी में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, मैं क्या कह रहा हूं, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। ऐसा आंसर ना, प्लीज माफ करो, मेरे मुझसे पढ़ना है ना, मेहनत करने के लिए रेडी रहो, डायरेक्शन मैं दिखाऊंगा, तो मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, अच्छी से डायरेक्शन दे रहा हूं, इस डायरेक्शन को समझना। बाकी कोई इस फॉर्मेट को क्या बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इस फॉर्मेट का जो भी नाम है मेरे को उससे भी फर्क नहीं पड़ता, पर ये फॉर्मेट में तुमने आंसर लिखना है, बात खत्म, यही फॉर्मेट में लिख रहे हैं, ये छोड़ के अगर मुझे किसी और फॉर्मेट में तुम्हारे आंसर देखे तो तुम्हारी वाट लग गई, ये चीज को याद रखना। और इस फॉर्मेट का एडवांटेज भी मैं आपको अभी बोल दूं, ठीक है। सबसे पहले तुमको सवाल पूछा है ना बच्चों, ईमानदारी से कोट करो प्रोविजन। अगर ये लाइव बैच रहता ना तो मैं तुमसे कोट करवा लेता था और लिखवा लेता था, फेस टू फेस बैच में तो मैं पूरी वाट लगा के लिखवा लेता हूं, ये मतलब मैं नंबरिंग का नंबरिंग भी इधर उधर नहीं होने देता, मैं मार्जिन तक के इधर उधर होने नहीं देता। अंडरलाइन और कोलन याद रखना, मैं इसको रेड कलर से मार्क करके रखूं, मेरे को अंडरलाइन चाहिए, मेरे को कोलन चाहिए, जो मेरे को चीजें कंपलसरीली चाहिए वो मेरे को चाहिए, और अगर किसी ने ये चीजें छोड़ के लिखा तो उसके विनाश के लिए वो बंदा खुद जिम्मेदार है। जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, मुंडी उंडी चटको, स्ट्रेट बैठो, सब बाबू सोना पिकाचू को भूल जाओ, सब चीजें छोड़ दो, घर वाले काम बोल रहे होंगे तो बोलना रुक जाना 10 मिनट, पर ये फॉर्मेट जहन में अगर तुम डाल लो तो मैं अभी गारंटी देता हूं तुम्हारे एग्जाम के 5 मार्क्स में इसी फॉर्मेट में फिक्स कर रहा हूं अभी इसी वक्त। जिसको ये 5 मार्क्स चाहिए कैश कर लो, नहीं मिलेंगे मुझे मत बोलना। ये लिखने के बाद में रेड कलर में मैं रेड कलर में वो चीजें लिख रहा हूं जो मेरे को कंपलसरी दिखनी चाहिए, जिसमें तुम गलती कर सकते हो। रेड कलर में मुझे चाहिए सेक्शन नंबर, जो आपने अभी जो मैंने सवाल दिया उसके अंदर किसी ने कोट नहीं किया होगा, सेक्शन 9 मेरे को मालूम है, जिन्होंने कोट किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कोट किया होगा उनको गलती यही समझ में आ जाएगी। मुझे सेक्शन नंबर चाहिए, और सिर्फ सेक्शन नंबर नहीं, ये तो किसी ने नहीं किया होगा, ऑफ कंपनीज, जो भी हमारा लॉ है, कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, से अपना जनरल क्लॉजेस एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे उस एक्ट का पूरा नाम चाहिए। मैं भी पूरा लिखता हूं, मैं भी आधा नहीं लिखूंगा, कंपनीज एक्ट, और मैं लिखूंगा 2013। एक्ट का ईयर और एक्ट का नाम जरूरी है, क्योंकि आप आपके सिलेबस में 4 एक्ट पढ़ने वाले हो। अगर आप सिर्फ ये लिखो सेक्शन नंबर 9, तो सेक्शन 9 भी कंपनीज एक्ट में भी है, जनरल क्लॉजेस में भी है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी है, तो कौन से इसका लिख रहे हो आप सेक्शन 9, जरा बताओ मुझे। तो यहां एक्ट का नाम लिखना, वो भी ब्रैकेट में, मतलब ब्रैकेट में मेरे को इधर ब्रैकेट चाहिए, मतलब ब्रैकेट चाहिए। बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसा लिखते हैं, ब्रह्मास्त्र एज पर कंपनीज एक्ट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एज पर कंपनीज एक्ट वर्ड यूज मत करना, या एज पर सेक्शन नंबर ये भी वर्ड यूज मत करना। जब आप ऐसा लिखते हो एज पर सेक्शन, तो उसके बाद का लैंग्वेज आप बेयर टेक्स्ट लिखने वाले हो, ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं जब लिख रहा हूं एज पर सेक्शन, तो सेक्शन के हिसाब से तो आगे तो मैं बेयर टेक्स्ट लिखूंगा ना, आगे तो बेयर टेक्स्ट एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि तुमने एज पर सेक्शन बोल दिया। तो यहां में सेक्शन नंबर ब्रैकेट में कोट करने का एक ही एडवांटेज है कि तुमको लीगल लैंग्वेज फॉलो नहीं करना। मैंने आपको बोला लीगल लैंग्वेज फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ये चीज उसको और एम्फेसिस कर देगी कि मैं ब्रैकेट में सेक्शन क्यों कोट किया, क्योंकि मैं लीगल लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, मैं बेयर टेक्स्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं वो लिख रहा हूं जो 100% कंटेंट सही है मेरे लैंग्वेज में। तो ब्रैकेट में सेक्शन कोट करने का एडवांटेज ये है, इट गिव्स यू लिबरेशन टू राइट इन एनी लैंग्वेज, इट गिव्स यू एडवांटेज टू राइट इन एनी लैंग्वेज। फिर इसके बाद में पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखूंगा, मुझे जो प्रोविजन कोट करनी है, ठीक है। मैं इसका आंसर भी आपको लिखवा के लिखूंगा, डोंट वरी, पर पहले मैं फॉर्मेट बोल दूं। पॉइंट वाइज फॉर्म में मैं प्रोविजन यहां पे कोट करूंगा, जितने भी पॉइंट बनेंगे उतने, और मुझे पॉइंट एक तो 1 2 3 4 इसी मैनर में चाहिए, और अगर हो सके तो मुझे सर्कल की होनी चाहिए या ब्रैकेट की होनी चाहिए, दोनों मत करना, दोनों में से एक। मैं दोनों इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आया, एक तो सर्कल नहीं तो ब्रैकेट में मुझे दिखना ही चाहिए। कोई भी बंदा 1 पॉइंट आगे कोई टेक्स्ट नहीं लिखेगा। लेट्स इमेजिन आप ऐसा लिख रहे हो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, और 3 पॉइंट के बाद आपको एकदम से कोई वैल्यू यहां लिखनी पड़ी। लेट्स इमेजिन आपको यहां पे वैल्यू लिखनी पड़ी 3 पॉइंट, देयर वेर 70 मेंबर्स इन अ कंपनी, तो ये कितने मेंबर हो गए मुझे बताओ, 3.70 मेंबर्स हो गए। हालांकि आपको लिखने कितने मेंबर्स थे, सिर्फ 70। तो कोई भी पॉइंट करके नंबरिंग नहीं लिखेगा, ये चीज को रूल बना लो। आप ये गलतियां करोगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं, मुझे ब्रैकेट या सर्कल में ही नंबरिंग चाहिए। तो इसके बाद अगर आप कोई भी वैल्यू लिखो, देखो अब यहां पे 3.70 मेंबर्स रिक्वायर्ड इन कंपनी मैंने लिखा, वही मैं अगर ऐसा लिखता हूं 3 को ब्रैकेट करके 70 मेंबर्स रिक्वायर्ड इन द कंपनी, इमीडिएटली समझ में आता है भैया कि भाई ये 70 मेंबर्स अलग पॉइंट शुरू हो रहा है और 3 ये सिर्फ नंबरिंग है। आपने ये सब गलतियां फाउंडेशन में की होगी, आपको यकीन मतलब अभी क्लिक हो रहा होगा कि यार ऐसा तो मैंने लिखा ही नहीं कभी फाउंडेशन में, क्लियर है। ये मेरे को फॉर्मेट चाहिए, इस चीज को आपने याद रखना, इसी फॉर्मेट में लिखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आप जो लिखोगे वो आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन को अंडरलाइन, एक्सप्लेनेशन को कोलन। मुझे जो चीज कंपलसरी लग रही है उनको मैं रेड में लिख रहा हूं, अंडरलाइन कोलन, और एक्सप्लेनेशन में मैं वर्ड यूज करूंगा इन द गिवन केस, और इसके अंदर मैं पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखूंगा कि गिवन केस का सिचुएशन क्या है और उसको मैं क्या आंसर देना चाहता हूं। अब एक्सप्लेनेशन ये काफी ट्रिकी एरिया है, इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट झटके में आपको एक्सप्लेनेशन लिखते आएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आप गिवन केस को ढाल रहे हो एज पर प्रोविजन। जब आप गिवन केस को ढालते हो एज पर प्रोविजन, तो आपको काफी ट्रिकीली लैंग्वेज थोड़ा सा डेवलप करके लिखना पड़ता है। मैं इसको सिखाऊंगा एक्सप्लेनेशन कैसे कोट करते हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो भी आपको केस को डिस्कस करना है, जो भी आपको कैलकुलेशन देने हैं, जो भी आपको वर्किंग नोट जैसे बनानी होती है प्रैक्टिकल पेपर में वर्किंग नोट, वो वर्किंग नोट आप एक्सप्लेनेशन में बना सकते हो, क्लियर है आंसर। जो भी केस के फैक्ट्स आपको डिस्कस करने हैं, वो सभी फैक्ट्स आप एक्सप्लेनेशन में डिस्कस कर सकते हो। दिस इज एक्सप्लेनेशन के बाद नेक्स्ट जो एरिया आता है, विच वन इज माई फेवरेट, इज केस लॉज। अगर जो कंटेंट है उसके ऊपर कोई केस लॉ है, अगर केस लॉ है तो केस लॉ लिखने हैं, केस लॉ कंपलसरी नहीं है। जैसे अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसमें 2 केस लॉज आप कोट कर सकते हो, तो मुझे केस लॉज चाहिए, पर मुझे केस लॉज भी पूरे नहीं चाहिए। मुझे केस लॉज में क्या चाहिए, तो मुझे सिर्फ केस लॉ का नाम, वो भी सिर्फ पिटिशनर वर्सेस डिफेंडेंट। कल मैंने आपको पिटिशनर डिफेंडेंट का डेफिनेशन बोल दिया, और एक लाइन में मुझे उसका डिसीजन चाहिए, एक लाइन में डिसीजन। अगर एक से ज्यादा पॉइंट है डिसीजन के, तो फिर 2 लाइन में मुझे डिसीजन चाहिए, पर डिसीजन मुझे 1 या 2 लाइन से ज्यादा नहीं चाहिए। 1 लाइन में डिसीजन या 2 पॉइंट में डिसीजन, जितने पॉइंट है नंबर ऑफ पॉइंट में डिसीजन, मुझे इससे ज्यादा डिसीजन नहीं चाहिए। सिर्फ पेटिशनर डिफेंडेंट और इसमें ये डिसाइड हुआ, पेटिशनर डिफेंडेंट, इसमें ये डिसाइड हुआ, गेम ओवर, बात खत्म। केस लॉ को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने केस देके रखा है। आप इस केस लॉ को एक्सप्लेन करते बैठोगे, उन्होंने दिए हुए केस को एक्सप्लेन करते बैठोगे, तो आंसर कब लिखोगे, ठीक है। केस लॉ होने के बाद में नेक्स्ट चीज जो आपने लिखनी है, दैट इज आई विल टेल यू आंसर। सर आंसर, ये आंसर क्या होता है सर, आंसर काय को लिखना है? बेटा आंसर लिखना है सर, पर ऊपर तो हमने एक्सप्लेनेशन लिख दिया ना। एक्सप्लेनेशन या वर्किंग नोट था, मुझे बताओ कॉस्टिंग का पेपर सॉल्व करते हो, अकाउंट्स का पेपर सॉल्व करते हो, एंड में जब आंसर आता है उसको अंडरलाइन करते हो, बैलेंस शीट को टैली करते हो, तो तुमने क्या वर्किंग नोट बना दिया, इसका मतलब क्या आंसर को कंक्लूड नहीं करोगे? इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन था ना, इसके अंदर तुमको पूछा गया था एडवाइस मिस्टर अब तक बचपन, एडवाइस मिस्टर अब तक बचपन की उसने क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे आंसर में ही 2 मार्क गंवा देते हैं, 2 से लेके 1 मार्क। बहुत सारे बच्चे, हर बच्चा 90% बच्चे 1 या 2 मार्क आंसर में गंवा देते हैं, बिकॉज आंसर कंक्लूड नहीं करते, ऊपर लिख देते कि ऐसा 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 होना चाहिए। अभी तुमको ये नहीं पूछा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तुमको ये पूछा कि तुम अब तक बचपन को क्या एडवाइस दोगे, अब तक बचपन को तुम क्या बोलना चाहोगे, क्या होगा ये तो वैल्यूअर को भी पता है, पर तुम अब तक बचपन को जो एडवाइस देना चाहते हो वो यहां पे लिखो। इसलिए आंसर रिलेवेंट है। दिस आंसर वाला हेडिंग विल मेक यू रिमेंबर कि तुम्हें एक्यूरेट क्या पूछा है वो लिखना है। तुमको ये नहीं पूछा कंपनी के साथ क्या होगा, तुमको ये पूछा है तुम अब तक बचपन को क्या एडवाइस दोगे। तो यहां पे आपने ऐसा ही आंसर लिखना चाहिए, दैट इट इज टू द पॉइंट आंसर व्हाट इज आस्क्ड, आंसर इन वन लाइन, आंसर इन वन लाइन, एक लाइन में उसको आंसर करो। अब तक बचपन को क्या एडवाइस देना चाहिए तो बोलो अब तो इट इज एडवाइस टू मिस्टर अब तक बचपन दैट मिस्टर सल्लू इज एलिजिबल टू क्लेम अ कंपेंसेशन एज वेल एज डेट फ्रॉम द कंपनी, सो मिस्टर अब तक बचपन कैन एक्ट अकॉर्डिंगली, फुल स्टॉप। हालांकि तुमने क्या आंसर कंक्लूड किया था दिमाग में, तुम तो सोचे ही नहीं था अब तक बचपन को कोई एडवाइस देना है। बताओ मेरे को, सोचे थे तुमने? बिल्कुल नहीं सोचे थे, तो ये तो हमें मालूम है ना। तो यहां वही कंक्लूड करना है जो पूछा है। एडवाइस पूछे, एडवाइस दो, कैलकुलेशन पूछा, कैलकुलेशन दो, जो भी पूछा यहां पे कंक्लूड करो। और सबसे आखिरी चीज, हाँ लिखना है, मैं आपको समय दूंगा, जस्ट वेट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा स्पेशल है, वेरी स्पेशल, हमारे लिए काफी अच्छी चीज है, ये सिर्फ अपने ही स्टूडेंट करेंगे सजेशन, ये सिर्फ अपने ही स्टूडेंट करेंगे सजेशन। इसके अंदर आप ई फॉर्म्स लिखो, कोई अगर हम ई फॉर्म बहुत सारे पढ़ेंगे, इसके अंदर कोई क्रॉस रेफरेंस में सेक्शन है, इस सेक्शन से रिलेवेंट कोई क्रॉस रेफरेंस का सेक्शन है, उस सेक्शन का नंबर दो, नाम दो। इसके अंदर आपको कोई पेनॉल्टी वगैरह पता है तो पेनॉल्टी लिख के रखो। इसके अंदर अगर आपको कोई ऐसी चीज मालूम है जो उन्होंने पूछी नहीं है बट सेक्शन के लिए रिलेवेंट है तो कोई रिलेवेंट चीज लिख के रखो। इससे इंप्रेशन होगा, इससे इंप्रेशन। अच्छा, इसके अंदर वो मत लिख देना पब्लिक कंपनी शुड हैव 7 मेंबर्स, ना 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 बेटा, ये नहीं लिखना है। इसके अंदर सिर्फ रिलेवेंट चीज, उन्होंने इतने केसेस लिखे, नीचे लिखना कंपनी कैन हैव ऑल। अब ऊपर देखो, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सेपरेट लीगल एंटिटी का सेक्शन नंबर 9 कोट कर रखूंगा। सभी कैरेक्टर तो मैं यहां लिखूंगा नहीं क्योंकि एक एक कैरेक्टर के ऊपर सवाल पूछा है, तो मैं सभी कैरेक्टर नहीं लिखूंगा, मैंने पूरा आंसर लिखा। और नीचे सजेशन में मैं लिख सकता हूं, इन एडिशन टू सेपरेट लीगल एंटिटी देयर आर 8 मोर कैरेक्टर्स टू कंपनी, जिनके शॉर्ट में हेडिंग लिख के रख दिए कि भैया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, वो सेपरेट लीगल एंटिटी तो ऊपर लिख दिया, नीचे फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ट्रांसफर ऑफ शेयर, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट, ये भी तो कैरेक्टर है ना, ये भी तो रिलेवेंट है। तो ये यहां लिखो सेशन में, जो ऊपर के आंसर का पार्ट नहीं बनेंगे, मेरा आंसर का पार्ट नहीं है, पर ये रिलेवेंट है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सवाल का मुझे जवाब दो बच्चों, ये तुमने लिखा हुआ आंसर था, ये मेरा फॉर्मेटेड आंसर है, लेंथ ऑब्वियसली इसका ज्यादा ही आएगा, आपको लेंथ चाहिए ना, इस आंसर में ऑटोमेटिक लेंथ बन जाएगा, ऑटोमेटिक लेंथ बन जाएगा, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं, फॉर्मेट फॉलो करो, लेंथ बन जाएगा। तो आपका 4 मार्क्स के लिए 1 पेज का जो इक्वेशन है वो इसमें तो कभी भी मिट हो जाएगा, और वो भी कम समय में, क्योंकि आप फॉर्मेट लिख रहे हो, पॉइंट वाइज लिख रहे हो, तो आप पूरी लाइन से नहीं भर रहे हो थ्योरी की। ऐसा नहीं कि आप पूरी लाइन भर रहे हो, जहां आपका पॉइंट बीच में खत्म हो गया बीच में छोड़ दोगे आप, लेकिन यहां पूरी लाइंस भर रहे हो, तो यहां पे फॉर्मेटेड आंसर दिखेगा। अब देखो ये आंसर देखो और ये आंसर देखो, देखने में ही अलग लगता है, देखने में ही सेपरेट लगता है, देखने में ही कुछ अच्छा लगता है। अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के लिए, चलो दोनों में आंसर का टाइप तुमने सेम लिखा, दोनों में आंसर का कंटेंट सेम लिखा, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूं कि 1/2 से लेके 1 मार्क आपको यहां ज्यादा मिलेगा सिर्फ फॉर्मेट के लिए? 1/2 से 1 मार्क पर क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा सिर्फ फॉर्मेट के लिए। मुझे कमेंट्स में बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्लीज मुझे बताइए कमेंट्स में मिलेगा या नहीं मिलेगा। फटाफट बताओ, 1/2 से लेके 1 मार्क आपको सिर्फ ज्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो बोलो बोलो, फटाफट बोलो, यस और नो। यस मिलेगा, सबको लगता है मिलेगा। लेट्स अज्यूम पेसिमिस्टिकली सिर्फ 1/2 मार्क आपको पर क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, सिर्फ 1/2 मार्क आपको पर क्वेश्चन ज्यादा मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय, आप बच्चों 20 सवाल भी सॉल्व करोगे ना इस फॉर्मेट में, 20 सवाल स्टार्टिंग के 20 सवाल, वैसे 25 सॉल्व करने हैं, स्टार्टिंग के 20 सवाल भी सॉल्व करोगे ना, तो बच्चों 10 मार्क ज्यादा है, 10 मार्क ज्यादा। अगर आप 50 पे हो ना एग्जाम्शन लेके बाहर निकलोगे, 40 पे हो एग्रीगेट लेके बाहर निकलोगे, 30 पे हो पास हो जाओगे, सिर्फ फॉर्मेट फॉलो करने के लिए। सिर्फ फॉर्मेट का 10 मार्क है, ये आपको कोई नहीं बोलेगा, पर मैं बोल रहा हूं इसी फॉर्मेट में लिखना है। इसी फॉर्मेट में लिखना है, ये जहन में उतार लेना फॉर्मेट, इसको छोड़ के मत लिखना। और इसमें भी इतना सुटसुटी लिखना, बकायदा मार्जिन वगैरह ड्रॉ करके। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर बहुत सारी गलतियां करते हैं, ये इधर रहती है पेपर की मार्जिन, ये आपका पेज है, ठीक है, ये पेज है, ये आपकी पेपर की मार्जिन है, बच्चा यहां लिखता है प्रोविजन। मैं कुछ कॉमन मिस्टेक जो आप करते हो बोलूंगा, प्रोविजन तो बच्चा अंडरलाइन करना भूल जाता है, कोलन देके लिखना शुरू करता है। बेटा फॉर्मेट का एडवांटेज ही तब है जब आप हेडिंग्स को अंडरलाइन करोगे, हेडिंग को अंडरलाइन करोगे तो पता चलेगा कि भैया यहाँ प्रोविजन है, यहाँ एक्सप्लेनेशन, यहाँ आंसर है। अगर आप प्रोविजन एक्सप्लेनेशन आंसर को अंडरलाइन नहीं करोगे फिर ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ अंडरलाइन से करना है, छोटी सी चीज है। बहुत सारे बच्चे ब्रैकेट में सेक्शन लिखना भूल जाते, पहले ही बोल रहा हूं तुम क्या गलतियां करने वाले हो। बहुत सारे बच्चे एक्ट का ईयर लिखना भूल जाते हैं, ये गलतियां मत करना, अंडरलाइन करना, ब्रैकेट में सेक्शन लिखना, एक्ट का ईयर लिखना। बहुत सारे बच्चे पॉइंट जब लिखने जाते हैं ना तो यहां लिखा रहता है क्वेश्चन नंबर 1 है और पॉइंट नंबर 1 भी यही लिखते हैं मार्जिन के अंदर। पगलो पगलो लोगो, 1 नंबर यहां नहीं आना चाहिए, आंसर का पार्ट है, ये बाहर आना चाहिए। अच्छा 1 नंबर के बाद में अगर उनको कोई सब पॉइंट क्रिएट करना है जैसे ए, तो ए इधर ही लिख देंगे 1 के नीचे। नहीं, ऐसी हरकतें मत करो, थोड़े बड़े बनो। 1 पॉइंट जहां पे लिखा उसके नीचे ए नहीं लिखना, सब पॉइंट बनाना है बाद में। इसके नीचे भी सब पॉइंट बनाना है तो भैया रोमन 1 बाद में, इसके नीचे भी सब पॉइंट बनाना है तो बाद में। कुछ ऐसे सब पॉइंट कोट करते हैं, नहीं तो 1 भी उसी के लाइन में है, उसी के लाइन में रोमन 1 कैसा। अब ये एक आपने लिखा और इमेजिन करो ये एक आपने लिखा 1 ए रोमन 1 ए, कौन सा सही है? यहां समझ में भी नहीं आ रहा कि सब पॉइंट है, मेन पॉइंट है, कहा लिख रहे हो जिंदगी में। पर ऐसा लिखोगे तो समझ में आएगा कि भैया ये सब पॉइंट है, ये सब सब पॉइंट है, ये सब 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 पॉइंट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में बच्चे एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, एक्सप्लेनेशन को अंडरलाइन कोलन बाकायदा इन द गिवन केस कोट करो, पॉइंट वाइज लिखो। ये कॉमन मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है। मुझे मार्जिन में कोई नंबरिंग दिखना नहीं चाहिए। कभी गलती से मैंने आपकी बुक चेक कर ली और मेरे को दिखा, मैं बुक फाड़ दूंगा, याद रखना। मैंने क्लास में पेजेस फाड़े हैं पर तुम अभी मेरे सामने हो नहीं तो मैं मार मार के करवा लेता हूं क्लास में। एक मतलब इधर का पॉइंट तुमने इधर भी लिखा ना तो भी मैं पेज फाड़ दूंगा। ये क्लास में मैं करता हूं फेस टू फेस में, मेरे फेस टू फेस के बच्चों को पूछ लो, इधर का तुमने अगर ये ए तुमने यहां लिख दिया ना 1 के नीचे तो भी मैं फेस फाड़ दूंगा। उसके सिवा ये होगा नहीं। मैं उस मामले में ना बहुत स्ट्रिक्ट हूं, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। मस्ती तुम 100 टका करो, मैं करूंगा 100 मस्ती करवाऊंगा, पर जब लिखने की बारी आई, क्योंकि ये वो चीज है इसके ऊपर मार्क मिलेगा जिसके ऊपर तुम पास होगा। बेटा ये अंदर जलता है, जब इतने इंटेंसिटी से मैं बोलता हूं ना तो समझो कितना जलता है। अगर तुम गलत लिखोगे तो कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा। और तुम्हारे भले के लिए, मेरा इसमें कुछ नहीं, मैं हो गया पास। मेरे को तो ये चाहिए कि तू ऐसा आंसर लिखे ना तो कोई बोले साला क्या पेपर लिखा है। और अगर आप लिटरली ऐसा लिखोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं 1000 में से हार्डली 20 से 30 पेपर होंगे जो ऐसा आंसर लिखते होंगे। पासिंग परसेंटेज देख लो, इतना ही है। 1000 में से बोल रहा हूं, 20, 30, 50, चलो 100 पेपर होंगे जो ऐसा लिखते होंगे। 200 ले लो, पासिंग परसेंटेज इतना ही है। ये चीज को आपने याद रखना। यह है आंसर राइटिंग का तरीका, ये है आंसर राइटिंग का तरीका। ऐसे लिखना चाहिए, ये मुझे एक्सपेक्टेड है। मैं ऐसे आंसर नहीं पढ़ना चाहता, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, एक आध दिन खून कर दूंगा किसी का। ये आया ना तो मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होऊंगा, मेरे को जो चाहिए मैं ढूंढ लूंगा। आप सोचो इस फॉर्मेट में, समझो मेरे को क्वेश्चन याद है, मैं वैल्यू और 10 बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो याद हो जाता है। अब मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए, मेरे को सिर्फ आंसर चाहिए। इस फॉर्मेट में मेरे को ढूंढना पड़ेगा साला आंसर कहां है। मेरे को सिर्फ प्रोविजन चाहिए, ढूंढना पड़ेगा प्रोविजन कहां है। और मैं आपको बोलूं एक्चुअली वैल्यू और सिर्फ 2 ही चीजें चेक करता है, प्रोविजन और आंसर। केस लॉ मेंशन किया है तो केस लॉ, बात खत्म। उसके ऊपर वैल्यू और कुछ चेक नहीं करेगा, ये एक्सप्लेनेशन वगैरह वो चेक नहीं करता है। तो अगर मैं वैल्यू और हूं ना तो मेरे को भैया 200 पेपर खटखटाखट खटाखट, आज 200 का टारगेट है मेरे को पर पेपर 20 रुपए मिलने वाला है या पर पेपर 100 रुपए मिलने वाला है। तो अगर आज मैं 200 पेपर चेक करूंगा, मेरे को पर पेपर 100 रुपए मिलेगा। मैं 20,000 रुपए कमाने की कोशिश में हूं, मैं वैल्यू हूं, मैं 20,000 रुपए। मैं फैक्ट बोल रहा हूं, ये इंसानी नेचर है, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी चेक कर रहा होगा उसका टारगेट क्या है, 200 पेपर है, पर पेपर 100 रुपए मिलने वाले हैं, आज मेरे को 20,000 रुपए कमाने। तो मैं जितना फटाफट चेक कर सकता हूं मैं करने की कोशिश करूंगा। स्टार्टिंग में हो सकता है अच्छे से बैठे, पर एंड में तो टारगेट वही रहेगा, जितना पेपर फटाफट चेक करूं वो करूंगा। अब जो बंदा फटाफट पेपर चेकिंग में है वो इसमें तुम्हारा आंसर ढूंढते बैठेगा? बिल्कुल नहीं ढूंढते बैठेगा। तो उसको रेडीमेड दो, रेडीमेड दो। सिलाई के कपड़े, रेडीमेड कपड़े, डिफरेंस वही है। रेडीमेड कभी भी मिल जाता है, सिलाई आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा। रेडीमेड दो, उसको प्रोविजन चाहिए, दिखाओ यहाँ प्रोविजन लिखा है, अंडरलाइन करो, कोलन करो। उसको आंसर चाहिए, दिखाओ यहाँ आंसर लिखा है, अंडरलाइन करो, कोलन करो। उसको अगर फिर वो इंप्रेस हो गया तो सजेशन भी पड़ेगा। और यार इसने तो सब देके रखा है, प्रोविजन अलग दिया है, आंसर अलग दिया है, अच्छा नीचे सजेशन भी, सजेशन क्या है साला, पढ़ेगा परेशान हो जाएगा। ऐसा उसको बहुत रेयरली कोई पेपर दिखेगा। ये करोगे तो पास होने के चांसेस है, पर यह सिर्फ फॉर्मेट है, इसके अंदर का कंटेंट हमें अगले 60-70 लेक्चर में बिल्टअप करना है। यह ट्राई है। मैं मानता हूं 9 लेक्चर्स के अंदर मैं स्लो जा रहा हूं, मैं मानता हूं, जरूर मानता हूं। मतलब आप किसी से भी कंपेयर कर लो, पहले 10 लेक्चर में वो जो पढ़ाते हैं और मैं पढ़ाता हूं उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है, पर जो मैं करवा रहा हूं याद रखना यही चीजें मार्क देके जाएगी। मैं पागल नहीं हूं स्लो पढ़ाने के लिए, मैं फास्ट पढ़ा के मेरे 20 लेक्चर कम कर सकता हूं। 70-80 लेक्चर दे रहा हूं, 20 लेक्चर कम कर दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा 60 लेक्चर का ही 50 लेक्चर का ही कोर्स है। मैं क्या को मेरा ज्यादा 20-40 घंटे एक्स्ट्रा खर्च करूं, मेरा तो समय कीमती है ना, मैं क्या को करूं। मैं कर रहा हूं, स्लो जा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे जहन में, तुम्हारे रग में चीज बैठ जाए कि जब तुम लिखो तो तुमको तगड़े मार्क्स मिलेंगे। ये मैं चाहता हूं, दिस इज वॉट इज रिक्वायर्ड। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना। ये चीज करोगे याद रखना, इस फॉर्मेट में करोगे कोई डाउट नहीं, आपको मार्क मिलने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। ये जरूर होगा और होके ही रहेगा। प्रोवाइडेड कंटेंट पे भी अच्छा तगड़ा मेहनत करना है। अगर आपको समझ में आया तो ये फॉर्मेट को लिख लीजिएगा। पहले तो कहाँ लिखोगे, फ्रंट पेज पे लिखोगे, ईमानदारी से इज्जत से लिखोगे, कोई पॉइंट इधर का उधर नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट प्रॉपरली लिखना चाहिए। क्लियर है कंसर। फिर कॉमन क्वेश्चंस का मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, फिलहाल ये फॉर्मेट लिख कर गो फॉर इट फास्ट। जो जोश में आज 11:50 हो गए, पर अपने पास ऑप्शन नहीं है। एक काम करो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं गायब होता हूँ, आराम से लिखते रहना। और कैसा लगा जरूर बताना, मुझे बताइए कैसा लगा, सुन के अच्छा लगा क्या, क्या ये आप फॉलो करना चाहोगे ये भी बताइए, तो एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं अपन इस केस को अच्छे से लिखेंगे। मैं केस लिखवा के दूंगा प्रद्युम्न, आज नहीं कल केस लिखवा के दूंगा, कल के स्टार्टिंग के ही लेक्चर में पहले आंसर लिख के दूंगा कि ऐसा आंसर आना चाहिए। आपको समझ में आएगा कि दर्शन सर फॉर्मेट में कैसे आंसर लिखते हैं। स्क्रीनशॉट निकाल लो फटाफट बच्चों। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ठोकिए। लॉ की फीस पता नहीं बेटा, कुछ 8-10 हज़ार होगी फीस, तो मैं कभी देखा ही नहीं यार। मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं टीचिंग में इतना इन्वॉल्व रहता हूं, फीस कुछ भी रखे एकेडमी में उसको देखा ही नहीं आज तक। स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आगे लेक्चर लाइव स्ट्रीम होंगे 15 लेक्चर्स के बाद में, प्रेम 15 लेक्चर यूट्यूब पे आने वाले, फिर एप्लीकेशन बेस्ड लाइव स्ट्रीम होंगे, उसका बैकअप भी आपको मिलेगा। और आप देखना मैं स्लो जा रहा हूं, पर मैं कहीं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ना गाना गा रहा हूं ना कुछ कर रहा हूं। जहां पढ़ाना है वहां सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं और अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं। तो स्लो जाना बुरी बात नहीं है, स्लो। और आप ये सोचो कि पिछले 10 लेक्चर का आपको सब कुछ याद है क्या। अगर मैं 10 लेक्चर में आपको 1000 कंटेंट पढ़ा दूं और याद ना रहे, पर 10 लेक्चर में मैं इतना ही पढ़ाऊं और वो सब याद रहे, तो मुझे लगता है ये कभी भी बहुत अच्छी चीज है कि जितना पढ़ा रहा हूं सब बच्चों को याद है मेरे, ये कभी भी खुशी की बात है। लेकिन अगर मैं 1000 चीजें पढ़ाऊं याद ना रहे तो क्या फायदा जिंदगी में। ये चीज को आपने याद रखना। यूट्यूब का लाइव स्ट्रीम दीपेश ये यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, इसका बैकअप आप यूट्यूब पे सर्च करो, वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। डायरेक्ट टैक्स का मुझे नहीं पता, लॉ का मेरे को लगता है दे सकते हैं, पर मैं एक बार कंफर्म कर दूं फिर भी, क्योंकि लाइव स्ट्रीम अगर बैकअप देंगे तो बच्चे लीनियंट हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, फिर पढ़ नहीं पाते। हाँ 2-5 लेक्चर का ठीक है, लेकिन अगर आप लाइव स्ट्रीम में आ रहे हो तो मैं बैकअप देने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिलेक्टेड लेक्चर्स का ही, सिर्फ 100% लेक्चर्स का बैकअप मुश्किल है, नहीं तो आप लाइव स्ट्रीम को सीरियसली नहीं लोगे। फिर मैं सीरियसली अगर आपके आके पढ़ा रहा हूं तो मैं इतना एक्सपेक्ट जरूर करता हूं कि आप सीरियसली आके लाइव स्ट्रीम पे इज्जत से पढ़ो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर कॉमन क्वेश्चन में आपका जो था क्वेश्चन फॉर्मेट, क्या सर फॉर्मेट रिक्वायर्ड है? यस, फॉर्मेट इज मच रिक्वायर्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 100% कंटेंट, कंटेंट ओरिएंटेशन 100% होना चाहिए। सॉरी, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लिख के रखिए। ये सवाल दोबारा मुझे मत पूछना, मैं इनको आंसर कर दिया, दोबारा ये सवाल मुझे ना पूछना, मैं इसके ऊपर आंसर दे नहीं पाऊंगा। गो फॉर इट फास्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हो रहा है इसको, पागल हो गया आज लैपटॉप, आज क्या हर रोज ही होता है बोलना। पांच लेक्चर नहीं है, वीडियो लिस्ट में आप देखिए बेटा, सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। शॉट सबने, चलो स्क्रीनशॉट निकाल लिया। तो आई गेस आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिख के दिखाऊंगा, पर आज आपको होमवर्क में एक चीज जरूर और ट्राई करनी है। आपने एक बार आंसर लिखा, ठीक है, अब उसी आंसर को आपने फॉर्मेट में लिख के देखना है। क्या आप इस फॉर्मेट में आंसर लिख सकते हो? जो मैंने क्वेश्चन दिया सल्लू वाला और एस लिमिटेड वाला, उसको इसी फॉर्मेट में लिख के देखो, ट्राई करो ना, देखो तुमको जमता नहीं जमता। हो सकता है तुम्हारा बहुत अच्छा आंसर बाहर निकल के आए। क्लियर आंसर? फिर कल मैं इस आंसर को लिख के दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया आएगा कि आपने आज जो पहला आंसर लिखा और कल का जो आप आंसर लिखोगे उसके बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। एक दिन में ही आपके आंसर में कितना डिफरेंस आ सकता है ये आपको समझ में आएगा। बस यही मेरा काम है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। दिस इज दर्शन खरे साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। होमवर्क जरूर करना, वरना पेनल्टी पड़ेगी। और आपको पता है जब मैं होमवर्क देता हूं तो अगले दिन कुछ ना कुछ उसका इंटेंशन होता है, सो प्लीज डू इट। आज के लिए काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।